Hello everyone. So I'm back again today with a very interesting topic that is about major biomes of the world, right? So for me this is a very interesting topic because I myself have learned a lot while preparing for this topic, and I hope that I'll make you understand I'll be able to make this topic interesting for you also. But since we are talking about the biomes of the world, this lecture is going to be really lengthy, right? So maybe you can see in parts and you can understand the lecture. So we start with the topic, right? First of all, with introduction to the topic, where first of all we have to understand what is biogeography, right? So as the name suggests, biogeography is the distribution of species, plants, animals along the geographical space, right? So we know what is geography. It is the studying of different types of places that are present in the world, right? So likewise, depending upon the geographical space, the species, plants, animals also, they vary. So the distribution of these species vary. So the study that we do is called biogeography. Bio means life, and the life present in the geographical space is called biogeography, right? So biogeography में हम जो भी plants, animals, species हैं, जो अलग अलग जगहों में हमको दिखते हैं, right? इंडिया की बायोजोग्राफी अलग होगी, कनाडा की अलग होगी, right? तो अलग अलग जो geographical space है वहाँ पे plants और animals different होते हैं, और वो कैसे vary करता है उसको बायोजोग्राफी बोलते हैं, right? So as I told, communities vary in different locations from each other. क्योंकि climate change होता है तो communities भी जो है वो सारी वेरी करती है, चाहे वो प्लांट कम्युनिटी हो या फिर एनिमल कम्युनिटी हो या बर्ड कम्युनिटी हो, राइट? अनदर टर्म दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज फाइटोजियोग्राफी, राइट? नाउ फाइटोजियोग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोजियोग्राफी. तो बायोजियोग्राफी तो हम पूरा लाइफ का स्टडी कर रहे हैं जियोग्राफिकल स्पेस में, राइट? बट फाइटोजियोग्राफी एक बायोजियोग्राफी का ब्रांच बन जाता है, right? Where we are studying about the geographical distribution of plant species. मतलब अलग अलग जगह में according to climate plant species कैसे vary करते हैं उसको बोलते हैं phytogeography, right? So that is our unit where we are studying. We have the title phytogeography, right? And in the unit of phytogeography we are going to study today about the major biomes of the world. So टू स्टडी फाइटोजियोग्राफी देर आर टू अप्रोचेस, राइट? दो तरीके से फाइटोजियोग्राफी पढ़ी जाती है या पढ़ सकते हैं, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिक फाइटोजियोग्राफी एंड डायनामिक फाइटोजियोग्राफी. तो हम नेम से बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, राइट? और इसको स्टैटिक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हम कोई भी जैसे ज्योग्राफिकल जोन सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक एरिया को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ की फ्लोरिस्टिक स्टडी करते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया का कोई जोन पकड़ा, राइट? साउथ इंडिया लिया, राइट? और वहाँ की फ्लोरिस्टिक स्टडी करना स्टार्ट किया, मतलब वहाँ पे क्या फ्लोरा प्रेजेंट है उसको डिस्क्राइब करना मैंने स्टार्ट किया, राइट? सो दिस इज़ एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरिस्टिक ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो आई कंसिडर्ड साउथ इंडिया, राइट? तो साउथ इंडिया की फ्लोरिस्टिक ग्रुप्स जो भी है, आई स्टार्टेड स्टडिंग दैट, राइट? तो वहाँ पर क्या फ्लोरिस्टिक ग्रुप है उसको डिस्क्राइब किया, राइट? सो एक बार मुझे पता चल गया कि वहाँ का फ्लोरा क्या है, देन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोरा जियोग्राफिकल जोन्स वेर गिवन. मतलब फ्लोरा क्या है उसके बेसिस पे ज्योग्राफिकल जोन डिसाइड किया. अगर फ्लोरा ऐसा है
जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई स्टडी की और वहाँ का जो फ्लोरा है वो ऐसा है जहाँ पे जो भी ट्रीज़ है वो अपने लीव्स छोड़ देते हैं राइट इन एवरी ईयर राइट, तो उसका मतलब कि वहाँ का जो ज्योग्राफिकल जोन है वो ऐसा है जहाँ पे शायद विंटर ज़्यादा होता है राइट. सो फ्लोरा के बेसिस पे ज्योग्राफिकल जोन्स डिसाइड किए गए राइट. अब इसलिए इसको स्टैटिक भी बोलते हैं. स्टैटिक इसलिए क्योंकि हम एक ही जगह की फ्लोरा को स्टडी करते हैं, सो दैट इज स्टैटिक. नाउ व्हाट इज डायनामिक फाइटोजियोग्राफी? दिस डील्स विथ डायनामिक्स ऑफ माइग्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ फ्लोरा एट अ प्लेस. मतलब ये स्टैटिक नहीं है. हम क्या कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन वन फ्लोरा. मतलब एक कोई भी एक फ्लोरा है एक एरिया का, कोई भी प्लांट है या फिर कोई भी एनिमल है. इन आर केस इट इज़ फाइटोजियोग्राफी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स. तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्लांट है तो वो उस जगह पर कैसे आया, उसका माइग्रेशन क्या था, मतलब कहाँ से माइग्रेट हुआ, इवोल्यूशन ऑफ फ्लोरा मतलब इवॉल्व कैसे हुआ, पहले कैसा दिखता था अभी कैसे दिखता है राइट. तो हम पूरा उसका एक लाइफ हिस्ट्री जैसा स्टडी करते हैं, उसका पूरा हिस्ट्री निकालते हैं राइट. सो दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक फाइटोजियोग्राफी, जहाँ पे हम उसका कंटिन्यूस जो चेंजेस आ रहा है वो स्टडी कर रहे हैं. सो उससे हमें क्या पता चलता है, दिस गिव्स रीज़न फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा. क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि उस फ्लोरा में चेंजेस कैसे आया, तो चेंज का मतलब क्या है, चेंज तभी आता है जब कुछ फैक्टर्स उसके ग्रोथ के लिए चेंज होता है, तो वो फैक्टर्स बदले तो उसके बेसिस पे प्लांट में चेंजेस आए. तो डायनामिक फाइटोजियोग्राफी से हमें रीजंस पता चलते हैं, फैक्टर्स पता चलते हैं जिससे वो फ्लोरा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है राइट. सो दीज आर द टू मेन अप्रोचेस. स्टैटिक फाइटोजियोग्राफी इज़ वेयर एक एरिया का हम फ्लोरिस्टिक स्टडी डिस्क्राइब फ्लोरिस्टिक ग्रुप डिस्क्राइब करते हैं, एंड ये स्टैटिक है क्योंकि हम एक ही जगह का जो फ्लोरा है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम कोई लाइफ हिस्ट्री में नहीं जा रहे. वेयर इज डायनामिक फाइटोजियोग्राफी इज़ वेयर वी आर स्टडिंग एवरीथिंग अबाउट द फ्लोरा देयर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस एंड दिस चेंज गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द फैक्टर्स एंड रीजंस बिकॉज ऑफ विच दैट फ्लोरा इज देयर राइट. बट हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव फाइटोजियोग्राफी. तो हम आगे जो भी स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी मेजर बायोम्स एक्सप्लेन किए गए हैं, वॉट एवर मेजर बायोम्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक फाइटोजियोग्राफी राइट. सो फ्लोरा की स्टडी करके ज्योग्राफिकल जोन्स को डिसाइड किया गया है. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अप्रोच फॉर us as of now. So now is the time for us to understand that what is a biome right. So biome is basically a large biological community where different types of species are used to living in certain type of climate. तो बायोम बेसिकली किसको बोलते हैं, जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी प्रेजेंट है उसको बायोम बोलते हैं. तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी में क्या होता है, अलग अलग स्पीशीज़ एक साथ रहती है एक तरह के क्लाइमेट में राइट. तो बायोम्स वेरी कर सकते हैं और बायोम का जो बायोम्स जो है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिफ़र करता है ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल डेजर्ट जो है उसका क्लाइमेट ड्राई है, तो वहाँ का जो बायोम होगा वो ऐसा होगा जो उस ड्राई एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके. वहाँ का जो बायोम है उसके प्लांट्स ऐसे होंगे जो ड्राई एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके, एनिमल्स जो है वो भी ऐसे होंगे जो डेजर्ट कंडीशंस को अडॉप्ट कर सके. तो वो जो भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है दैट इज सेड टू बी एज बायोम राइट. नाउ अनदर वे वी कैन डिफाइन बायोम इज that biomes are distinct biological communities
ये अलग बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ है दैट हैव फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू अ शेयर्ड फिजिकल क्लाइमेट। मतलब ये कम्युनिटीज़ क्यों बने, क्योंकि इन इन सब का जो क्लाइमेट था वो सेम था। तो बायोम जो है डेजर्ट का अलग होगा, राइट, कोल्ड रीजन का अलग होगा, ट्रॉपिकल एरिया का अलग होगा, राइट। सो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ आर डिस्टिंक्ट इन रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट इन विच दे सर्वाइव, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड बायोम। नाउ दिस डेफिनेशन इज सजेस्टेड बाय एन इकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंस इन द ईयर 1960। सो मेजर प्लांट कम्युनिटीज़ जो है वो या तो एक्वेटिक कम्युनिटी में डिवाइड होती है एंड टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी प्लांट कम्युनिटीज़ है या जितनी भी दूसरी कम्युनिटीज़ है, लिविंग कम्युनिटीज़, दोज आर डिवाइडेड इंटू एक्वेटिक कम्युनिटी एंड टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी। सो एक्वेटिक कम्युनिटी बाय द नेम इट्सेल्फ वी नो दैट दिस इज़ द कम्युनिटी विच सर्वाइव इन वाटर, राइट। सो एक्वेटिक कम्युनिटी में थ्री टाइप्स के कम्युनिटी हो जाते हैं, फ्रेश वाटर बायोम, मराइन बायोम एंड एस्चुराइन बायोम, राइट। सो एक्वेटिक कम्युनिटी कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स ऑफ बायोम्स, फ्रेश वाटर बायोम्स, मराइन बायोम्स एंड एस्चुराइन बायोम्स। नाउ ये तीनों जो भी बायोम्स है इनका जो भी ऑर्गेनिजम्स है दीज विल डिफर, द प्लांट स्पीशीज विल ऑल्सो डिफर एंड द एनिमल स्पीशीज विल ऑल्सो डिफर। सो फ्रेश वाटर हैज़ बेसिकली टू टाइप्स, लेंटिक एंड लोटिक। आई सपोज दैट यू ऑलरेडी नो दैट लेंटिक इज़ फ्रेश वाटर एरिया विच इज़ स्टैंड विच हैज़ स्टैंडिंग वाटर, मतलब स्टैगनेंट वाटर, द वाटर हैज़ नो मूवमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स, लेक्स, मार्श लैंड, राइट, दीज आर द एरिया जहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है वाटर में, स्टैंडिंग वाटर जो है उसको लेंटिक फ्रेश वाटर बायोम बोलते हैं। एंड लोटिक मतलब रनिंग फ्रेश वाटर, राइट, मतलब कि ऐसे कम्युनिटीज़, एक्वेटिक कम्युनिटीज़ जहाँ पे वाटर इज़ फ्लोइंग, द फ्लो वाटर इज़ नॉट स्टेडी, राइट। सो सच टाइप ऑफ फ्रेश वाटर बायोम इज़ कॉल्ड लोटिक बायोम, राइट। सो एग्जाम्पल्स आर लाइक स्ट्रीम्स, रिवर्स, राइट। सो दीज आर रनिंग वाटर। सो यहाँ पे दोनों में जो भी कम्युनिटीज़ होगी वो वेरी करेगी और इसलिए दोनों बायोम अलग गिना जाता है। नाउ मराइन बायोम मीन्स वाटर ऑफ सीज एंड ओशन। सो वो सारी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ दैट सर्वाइव्स इन सॉल्टी वाटर। सो व्हेन आई से मराइन इट मीन्स दैट दोज लिविंग इन द सॉल्टी वाटर। सो देयर कम सीज एंड ओशंस। सो ऑल द कम्युनिटीज, एक्वेटिक कम्युनिटीज दैट लिव इन ओशंस एंड सीज आर कॉल्ड मराइन, आर इंक्लूडेड इन मराइन बायोम। एंड एस्चुराइन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बायोम वेयर दिस इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मराइन बायोम। मतलब ऐसा जोन जहाँ पे फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों मिलता है तो उसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, मतलब बीच का जोन जहाँ पे ये दो तरह के बायोम मिलते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एस्चुराइन बायोम्स, राइट। सो एस्चुराइन बायोम्स हमें अक्सर कहाँ मिलेंगे, वी कैन फाइंड दिस अलोंग द कोस्टल साइड्स, राइट। तो कोस्टल एरिया जो है वहाँ पे एस्चुराइन बायोम्स दिखते हैं, राइट। सो इस तरह का आपने अगर कहीं पे देखा हो, लाइक एक साइड ओशन है और कहीं से पानी मिक्सअप हो रहा है, राइट, ओशन का पानी फ्रेश वाटर में मिलता है, फ्रेश वाटर का पानी ओशन में मिलता है, सो दिस मीटिंग पॉइंट इज़ द एस्चुराइन बायोम एंड दिस
दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ की एस्टुराइन बायोम की जो कम्युनिटी होती है वो भी अलग होती है फ्रेश वाटर और मराइन के कंपैरिजन में, राइट? सो लाइक दिस एक्वाटिक कम्युनिटीज कैन हैव दिस थ्री टाइप्स ऑफ बायोम्स, राइट? सो दिस इज़ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्वाटिक कम्युनिटी बिकॉज आवर मेन फोकस विल बी ऑन द टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी, राइट? आवर मेन फोकस विल बी ऑन टेरेस्ट्रियल बायोम्स, राइट? सो एज एक्वाटिक कम्युनिटी आर दोज दैट लिव इन वाटर, टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज आर दोज दैट लिव ऑन लैंड, राइट? सो वी आर कंसिडरिंग टेरेस्ट्रियल बायोम फॉर आवर फर्दर स्टडीज. फॉर एक्वाटिक बायोम्स यू कैन कंसिडर दिस मच, राइट? नाउ वी मूव इन टू terrestrial biomes because we all live on land and though the earth is covered more with water, we all live on land and I think we would like to know more about terrestrial biomes and more study has been done on terrestrial biomes only. So we will move with the understanding of terrestrial biomes, right? Now terrestrial communities or terrestrial biomes are of total 12 types, right? Total 12 type ki hai terrestrial communities. Kuch books mein 11 di hai, kahin pe 10 di hai, right? But somewhere along you will find 10 to sab mein aapko milega hi, बट कहीं पे 12 होगा, कहीं पे 11 होगा. सो वी आर गोइंग टू कंसीडर टोटल 12 टेरेस्ट्रियल बायोम्स विच आई विल बी डिस्क्राइबिंग वन आफ्टर द अनदर. सो दिस टेरेस्ट्रियल बायोम्स, एवरी बायोम हैज़ यूनिक सेट ऑफ एबायोटिक फैक्टर. मतलब हर एक बायोम का अपना खुद का क्लाइमेट है, राइट? एंड अपनी खुद की इकोलॉजिकल कम्युनिटी है. मतलब biological community based upon the climate is different. So every biome has its own climate and therefore every biome has its own biological community. So the major terrestrial biomes that we are going to study today is tundra, taiga biomes, the moist temperate coniferous forest biomes, temperate deciduous, broad-leaved evergreen, temperate grasslands, tropical savannas, desert biomes, chaparral, pinyon juniper, tropical rainforest and tropical scrub deciduous forest biomes, right? Now what we need to understand is that this biome, we are starting from the poles. Matlab we know ke earth mein polar regions hote hain, south pole and north pole, and tropical region hote which is near the equator, right? So the very first biome with which we will start is the tundra biome. Tundra is present at the poles and then slowly we will move towards the tropical part of the earth, and therefore this study will be from poles towards the tropics, right? Okay. So before we start with the understanding of each biome, it is very important for us to understand a bit about earth and about the various countries that are present, various countries or continents that are present in the world, because only if you know that you will be able to relate the biome distribution. So this is our earth, and though I suppose you all must be knowing, for a general understanding, this is the polar region, right? North pole. This is the south pole. These are the poles of the earth, north pole and south pole. And the middle imaginary line is the equator. तो अर्थ के बीच में से जो लाइन जाती है, दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन. द मिडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द इक्वेटर. ये वो जगह है जहाँ पे डायरेक्ट सनरेज गिरती है, राइट? तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, राइट?
because direct sun rays falls over this region. तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज होगी, जो भी कॉन्टिनेंट्स होंगे, वो वार्म होंगे, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी. अब पोल्स ऐसा एरिया है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरता, राइट? सो दीज आर द रीजन्स विच आर कोल्डर. ये ऐसी जगह है जो ठंडी रहती है. सो दिस इज़ द नॉर्थ पोल, दिस इज़ द साउथ पोल, राइट? एंड दिस इज़ द इक्वेटर. टू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दिस इमेजिनरी लाइन इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब इक्वेटर के पास जो भी एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल एरिया, बिकॉज दिस एरिया इज़ वेरी वार्म, राइट? दिस इज़ द ट्रॉपिक्स. अब यहाँ पे पोल से हम जब इस तरफ आते हैं इक्वेटर की तरफ, तो जो इमेजिनरी लाइन है दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट? एंड द इमेजिनरी लाइन दैट इज प्रेजेंट towards the south of equator is called the Tropic of Capricorn, right? Now, what you need to understand is that North Pole ke paas jo imaginary line hai, that is Tropic of Cancer, equator aur North Pole ke beech mein jo line hai, that is Tropic of Cancer, and equator aur Tropic of Capricorn ke beech mein jo area hai, jo line hai, sorry, इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में जो लाइन है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो रीजन्स ठंडे होंगे, जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे तो रीजन्स वार्म होंगे. सिमिलरली इक्वेटर से ट्रॉपिक की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे वार्मनेस कम होती जाएगी और यहाँ पे वापस ठंडा रीजन आ जाएगा. सो आई होप ये जो कलर है इसे आप समझ सकते हो. दीज आर ऑल आइसी एरियाज, राइट? दिस डार्क ग्रीन आर लाइक ग्रीन एरियाज, वार्मर एरियाज, दिस इज आइस एरियाज, राइट? सो एज यू मूव टूवर्ड्स पोल इट इज़ मच कोल्ड, एज यू मूव टूवर्ड्स ट्रॉपिक्स, टूवर्ड्स इक्वेटर इट वुड बी मोर वार्मर एंड हॉटर, राइट? तो हम हमारी स्टडी पोल से स्टार्ट कर रहे हैं. पोल से हम बायोम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट बायोम था टुंड्रा का, सो द टुंड्रा विल बी इन द पोलर रीजन. फिर धीरे धीरे वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स, टुवर्ड्स द इक्वेटर. सो वी विल कम हियर एंड वी विल गो लिटल डाउन ऑल्सो, राइट? तो अपर साइड, अपर वाला जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे आर्कटिक रीजन होता है और यहाँ पे एंटार्कटिका होता है, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टडी लाइक दिस फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर टू द ट्रॉपिक्स. एंड वन मोर वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारा पूरा स्टडी वर्ल्ड से रिलेटेड है तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें वर्ल्ड मैप में कुछ जगह हो, कुछ कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ हमें पता हो, राइट? नाउ वी आर एज वी आर गोइंग टू स्टडी अ रियली गुड टॉपिक दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर नॉलेज, राइट? एंड इट इज़ अबाउट द बायोम्स. सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बायोम्स अब इसी वर्ल्ड में स्प्रेड है, राइट? सो सिंस वी आर गोइंग टू स्टडी बायोम्स, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी नो वेयर मेजर इम्पॉर्टेंट कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स आर देयर, राइट? सो शुरू करें इंडिया से, क्योंकि इंडिया जो है दिस इज़ द कंट्री वेयर वी लिव. सो वी नीड टू नो दैट इंडिया इज समवेयर हियर, राइट? अभी ये ऊपर जो एरिया है दैट इज़ आर्कटिक रीजन, नीचे की तरफ जाएंगे तो दैट इज़ एंटार्कटिक रीजन. दिस इज़ एंटार्कटिका नीचे एंड दिस इज़ आर्कटिक. आर्कटिक इज़ कोल्डर, एंटार्कटिका इज़ ऑल्सो कोल्ड, राइट? सो बोथ ऑफ दीज आर आइसी रीजन्स. अभी यहाँ बीच में इक्वेटर होता है, तो ये जो बीच में रीजन्स है दैट वुड हैव मोर ऑफ वार्मनेस एंड यहाँ पे ठंडी होगी नीचे, राइट? अब वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. सी दिस इज़ आर्कटिक रीजन, दिस इज़ आर्कटिक सर्कल. ये सब
आर्टिक एरिया है, तो इसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड, राइट, या तो डेनमार्क जिसको हम बोलते हैं, दिस इज ग्रीनलैंड। नाउ दिस 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 पार्ट इज कैनेडा, इनफैक्ट ऑल दिस पार्ट इज ऑल्सो कैनेडा। ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे दिख रहे हैं, दिस ऑल इज कैनेडा। दिस पार्ट इज, नाउ सी अमेरिका हैज़ टू पार्ट्स, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका बिकॉज इट इज़ नियर द नॉर्थ पोल, साउथ अमेरिका बिकॉज इट इज़ नियर द साउथ पोल। तो कैनेडा के जस्ट थोड़ा पास में देर इज़ नॉर्थ अमेरिका, ये सब, दिस होल इज़ नॉर्थ अमेरिका, राइट, एंड दिस इज़ सेंट्रल अमेरिका है, जो बीच में नॉर्थ और साउथ को जोड़ता हुआ जो लाइन है दैट इज़ सेंट्रल अमेरिका, एंड नीचे साउथ पोल के पास है दैट इज़ साउथ अमेरिका। दिस इज़ आइसलैंड, दिस इज़ ग्रीनलैंड, राइट। नाउ एक चीज़ हमेशा लोगों को क्वेश्चन होता है कि ग्रीनलैंड जो है वो आर्टिक रीजन में है, पूरा आइस से ढका हुआ होता है, देन व्हाई इज़ इट कॉल्ड ग्रीनलैंड। इट इज़ कॉल्ड ग्रीनलैंड बिकॉज इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ प्रेजेंट देयर, दिस हैज़ अ हिस्ट्री। कुछ लोग थे ड्यूरिंग द मिडल एजेस, दीज पीपल आर कॉल्ड एज द नॉर्स पीपल, राइट। नॉर्स पीपल आर द मिडल एजेस के वक्त जो लोग रहते थे उनको उस, वो जो लोग थे वो एथनो लिंग्विस्टिक लोग थे, मतलब those were actually kind of tribal peoples, the ethnobotanically important people, because ये like क्या बोलते हैं, forest areas में रहते थे, तो these were Norse people। फिर I think उन पर कुछ attack हुआ था जिसकी वजह से they found out an island and they thought, they told that this island is good for existence for humans, so this is an island where you can settle। मतलब ये ऐसा island है जिसको green signal दिया गया कि यहाँ पर Norse people can live, and therefore this was named as Greenland by Norse people, because a land where someone can live is can be called as a Greenland, right? So this is Greenland, it is not green at all, right? Now this is Iceland, this big portion you can see is here Russia, right? उसके थोड़ा ऊपर here is Siberia, here is Europe, this whole is Europe, ये सारा जो है pink portion आप देख रहे that is Europe, ये जो है बीच में Middle East, सबके बीच में पड़ा है Africa, Europe, Mongolia, China, India, सबके बीच में जो है Middle East है, मतलब आपका Dubai, Abu Dhabi, everything comes here। Now this whole is Africa, जो पार्ट नॉर्थ की तरफ है दैट इज़ नॉर्थ अफ्रीका, जो पार्ट साउथ पोल की तरफ है दैट इज़ साउथ अफ्रीका, ये छोटा सा पार्ट जो दिख रहा है दैट इज़ मेडागास्कर। अब इंडिया के इस तरफ चाइना है, यहाँ पे कहीं पाकिस्तान है, राइट, और चाइना और इंडिया के बीच में एक छोटा सा हिस्सा दैट यू कैन सी इज़ टिबेट, आई हैव नॉट मैंशनड इट, बट बहुत छोटा सा है एंड इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड वी ऑल नो द टिबेट कॉन्ट्रोवर्सी, राइट। चाइना के ऊपर एक छोटा सा पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड मंगोलिया, एंड ये जो स्मॉल आइलैंड है जस्ट बिसाइड चाइना इन इट्स राइट इज़ जापान। सो सी हाउ स्मॉल जापान इज़ एंड हाउ बिग चाइना इज़, राइट। एंड ये जो कॉन्टिनेंट है दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, सबसे अलग टूअर्ड्स साउथ पोल, सो दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। एंड ये बीच में जो है दीज आर सम तीन चार प्लेसेस हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हम आगे बायोम्स करेंगे तो ये प्लेसेस के नाम्स भी आएंगे, बट मैंने यहाँ पे नहीं रखे, यहाँ पे जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, मुझे लगा जो आपको पता होना चाहिए दैट हैज़ बीन केप्ट हियर, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज। जर्मनी यहाँ पे कहीं पे आता है, अ स्मॉल पार्ट इज़ प्रेजेंट हियर, हियर यहाँ पे छोटा सा एक हिस्सा है दैट इज़ जर्मनी इन यूरोप, राइट। सो ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी आके हम जैसे जैसे बायोम्स करेंगे, इन बायोम्स यू विल अंडरस्टैंड दैट यू विल कम अक्रॉस दैट स्टेटमेंट्स लाइक
this biome is seen in this part of the world. So you should know that which part of the world we are talking about, right? So this is how the map has been distributed. Right, now we move towards the understanding of very first biome, which is the tundra biome. So this is large areas of the Arctic zone, matlab Arctic jo circle hai wahan pe jo biome present hai, that is called tundra biome. Ab Arctic aap map rewind karo apne dimag mein, was present on the north pole. तो नॉर्थ पोल पे जो बायोम है दैट इज़ कॉल्ड टुंड्रा बायोम विच इज़ द आर्टिक रीजन, राइट. मेनली देर आर टू टुंड्रा बायोम्स, दो टुंड्रा बायोम्स कंसीडर होते हैं. दीज आर पेलार्टिक एंड नियर आर्टिक, राइट. पेलार्टिक एंड नियार्टिक. सो पेलार्टिक एंड नियार्टिक आर टू टुंड्रा बायोम्स बिकॉज दीज आर प्रेजेंट लाइक अलग अलग पैचेस की तरह प्रेजेंट है, इसलिए ऐसे दो बायोम्स नाम दे दिए हैं. एंड बट दोनों में स्पीशीज काफ़ी कॉमन होती है. सो टुंड्रा बायोम आर ट्रीलेस पोलर डेजर्ट. सी द टर्म दैट इज गिवन टू टुंड्रा बायोम इज पोलर डेजर्ट. ये नॉर्थ पोल पे प्रेजेंट है. पोलर डेजर्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि द टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट बिलो ज़ीरो, totally covered with ice, and इतना ice होता है कि hardly any plant can survive there. So this is like a desert, but yes, it has its own species which can survive in such polar desert. So this is treeless, मतलब there is no tree present actually at all. कोई tree वहाँ पर present है ही नहीं क्योंकि the environment there is not such that it can support ट्री ग्रोथ. सो एज आई टोल्ड, मैंने यहाँ पे मेंशन किया दैट देर आर टू बायोम. सो दिस इज नियार्टिक टुंड्रा बायोम एंड दिस इज पेलार्टिक अपर पार्ट, राइट. सो दोनों अलग अलग पैचेस में है और इसलिए इसको नियार्टिक और पेलार्टिक ऐसे दो टुंड्रा बायोम्स डिवाइड किए हैं, राइट. बट दोनों में ही स्पीशीज काफ़ी कॉमन रहती है. सो ऐसा कुछ होता है टुंड्रा बायोम जब थोड़ा सनलाइट होता है तब, राइट. सो एज यू कैन सी माउंटेन्स है यहाँ पे, आइस ऑलरेडी प्रेजेंट है पर यहाँ पे कोई ट्री नहीं है. देर आर नो ट्रीज बट देर इज़ लिटिल बिट ग्रीनरी, मे बी बारिश गिरी इसीलिए या फिर सॉरी स्नो हुआ इसलिए, राइट. और थोड़ा सा समर जैसा है, दो समर इज़ नॉट समर देर बट दिस इज़ अ गुड सीजन एक्चुअली. The photograph is of good season, but when there is actual cold, this whole gets covered with ice. So why is it called tundra is because these are dwarf treeless community. So treeless community hai jisko tundra bolte hain, matlab aisi communities hai jahan pe trees to present hai hi nahi but kuch लाइक lichens, लाइक मॉस प्रेजेंट है, एल्गे प्रेजेंट है, ऐसा कुछ. तो dwarf treeless community है. सो दिस इज कॉल्ड द tundra. नाउ what happens इन tundra इज दैट ग्राउंड रिमेन्स फ्रोजन एक्सेप्ट फॉर द अपर फ्यू inches ड्यूरिंग द ओपन सीजन. मतलब ऑलवेज जो ग्राउंड है वो फ्रोजन रहता है, मतलब इट इज़ कवर्ड विथ आइस, राइट. बट जब ओपन सीजन होता है, यानी ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, सॉरी फोटो देख रहे हो, दैट इज़ ऑफ ओपन सीजन. तो इस सीज़न में कुछ इंचेस जो होते हैं तब आइस नहीं होता. सो बेसिकली टुंड्रा इज़ लाइक अ परमाफ्रॉस्ट दैट इज़ अ लेयर ऑफ परमानेंट फ्रोजन सब सॉइल. मतलब सब सॉइल तो हमेशा परमानेंटली फ्रोजन ही रहता है. सब सॉइल क्या होता है, टॉप सॉइल के नीचे का जो सॉइल है दैट इज़ कॉल्ड सब सॉइल, राइट. तो सब सॉइल इज़ ऑलवेज परमानेंटली फ्रोजन, बट ओपन सीजन में खाली ऊपर के कुछ इंचेस के सॉइल जो है उसमें से आइस हट जाता है, बट द सब सॉइल इज़ ऑलवेज परमानेंटली फ्रोजन. सच अ लेयर इज़ कॉल्ड अ परमाफ्रॉस्ट लेयर, राइट. नाउ
during short and cooler summer. See what happens when it is short and cool summer, the ground thaws to a depth of few centimeters. क्योंकि summer आता है पर बहुत summer नहीं होता, this summer is also cool, but since sunlight has come, it is a short summer, so जो भी ice था it starts thawing, it starts little bit melting. थोड़ा बहुत melt होता है जिसकी वजह से जो ground है it becomes soggy and wet, right? I hope you can imagine that what happens when upper layer of ice little bit melts, so this would become like wet area, right? So here you can see wild animals that can withstand such harsh conditions. So what happens that thawing होता है, मतलब ice melt होती है थोड़ी थोड़ी, फिर वापस freeze हो जाता है in cold season. राइट, दिस लीड्स टू दिस रिप्स एंड क्रशेस द प्लांट रूट्स. अब ऐसा होता रहता है पूरे साल, इसकी वजह से जो प्लांट रूट्स है वो कट जाते हैं, उसमें इंजुरी आ जाती है, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई देर आर स्मॉल एंड स्टंटेड प्लांट्स प्रेजेंट. तो इसलिए यहाँ पे जो प्लांट्स प्रेजेंट है वो छोटे हैं, स्टंटेड है, क्योंकि दीज आर गोइंग थ्रू थॉइंग एंड फ्रीजिंग मोमेंट of the ice continuously, which is tearing apart their roots. Now, so what kind of climate can you see here? Cold temperature, मतलब बहुत ठंडा temperature, high winds. यहाँ पे हवा भी क्योंकि एकदम altitude पे होता है, so wind भी यहाँ पे बहुत होती है. Short growing season, मतलब summers जो है, growing season जो है बहुत छोटा सा होता है, right? And humus poor soil. Of course there would be no humus because कोई trees ही नहीं है, तो leaf कुछ नीचे गिरेगा नहीं, कुछ compost बनेगा नहीं, right? So this is humus poor soil, right? So these are the reasons which leads to the limit of the plant growth. तो इसी reasons की वजह से यहाँ पर plant growth नहीं होता. So as you can see, ग्रासेस, सेजेस, मॉसेस और लाइकन्स कैन बी सीन. ग्रासेस भी बहुत छोटे होंगे, स्टंटेड होंगे, सेजेस ऑल्सो, देन मॉसेस एज आई टोल्ड, क्योंकि थॉइंग के बाद सॉगी और वेट हो जाता है, तो मॉसेस में ग्रो एंड समटाइम्स लाइकन्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट, और ड्वार्फ बिर्चेस लाइक बेट्यूला एंड सेलिक्स में भी प्रेजेंट, राइट? सो बिर्चेस आर मेनली द कॉनिफरस ट्रीज दैट यू नो of this betula or salix may be present sometimes, but dwarf hote hain. Actually betula and salix is a very big tree, but tundra mein because it is growing it becomes smaller in size. Now so we need to know that which are the communities in tundra, right? So these are waterfowl, right? Or we can say waterfowl, right? So waterfowl is a bird, like a duck kind of species, that lives in the melted water in tundra, right? It can like swim very well, right? And another species is Arctic fox. This is a fox that specially lives in colder deserts like tundra. Then muskox, right? Muskox इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ब्रीडिंग सीजन होता है इनका, तो ये इनमें से एक मस्की स्मेल आती है, right? तो ये स्मेल इसलिए आता है ताकि फीमेल इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, मेल ऑक्स की तरफ फीमेल अट्रैक्ट हो, उसके लिए ये मस्क की स्मेल होता है, और इसलिए इसको मस्क ऑक्स बोलते हैं, राइट? देन दिस इज़ अ कैरिबो. कैरिबो इज़ व्हाट यू कॉल एज रेनडियर. रेनडियर जो बोलते हैं उसी को कैरिबो बोलते हैं. तो वी नो दैट दिस लिव इन कोल्ड रीजन्स ओनली. देन लेमिंग्स. नाउ लेमिंग्स आर एक्चुअली रोडेंट. ये रोडेंट होते हैं लाइक रैट्स. And there is a story, not a story, but a myth about lemmings that they commit suicide in mass. Lemmings के बारे में ऐसे कहा जाता है कि ये group में suicide करते हैं.
अब इसके पीछे रीज़न ये है कि ड्यूरिंग द ईयर इनका क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी साल में कई ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स बन जाते हैं इनके, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, राइट? सो ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्राउड हो जाता है, राइट? तो इसलिए व्हाट दे डू, अ मास ऑफ लेमिंग दे स्टार्ट मूविंग विद द क्राउड टू मूव इन सम अदर प्लेस, राइट? सो व्हाट डू? दे स्टार्ट वॉकिंग इन मास, ग्रुप में चलना स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे कहीं पे क्लिफ आता है कितनी बार, तो क्लिफ के नीचे वाटर होता है, रिवर होता है, राइट? तो वहाँ से वो पानी में जाते हैं, मतलब चलते चलते सब ग्रुप में होते हैं, ग्रुप जहाँ जा रहा होता है उसके साथ साथ जाते हैं, एंड दे फॉल इन वाटर. नाउ वी थिंक दैट दे हैव कमिटेड सुसाइड, बट दीज आर गुड स्विमर्स, ये अच्छे से स्विम कर सकते हैं, तो पानी में गिर के दे स्विम एंड दे रीच टू सम अदर प्लेस. सो दे एक्चुअली डू नॉट कमिट सुसाइड, पर हाँ ऐसा हो सकता है कि इस प्रोसेस में कुछ लेमिंग्स जरूर मर जाते हैं. तो इसके पीछे एक कहावत भी है कि डोंट एक्ट लाइक अ लेमिंग. सो लेमिंग ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेमिंग्स क्राउड के साथ जाते हैं, तो डोंट फॉलो द क्राउड ब्लाइंडली, क्राउड को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा. बट एक्चुअली दे डू नॉट कमिट सुसाइड, इट इज़ जस्ट अ मिथ दैट इज देयर, एंड बेस्ड ऑन दिस द प्रोवर्ब इज देयर. सो डोंट वाइल्डली फॉलो द क्राउड, राइट? सो दिस इज अबाउट लेमिंग. नाउ दिस इज सेलिक स्पीशीज, एज आई टोल्ड ये बहुत बड़ा ट्री होता है, बट क्योंकि ये टुंड्रा में ग्रो हो रहा है, इट हैज़ अ स्टंटेड ग्रोथ, एंड दिस इज बेट्यूला. नाउ सेलिक्स इज कॉल्ड एक्चुअली द विलो ट्री, विलो ट्री को सेलिक्स बोलते हैं, एंड दे हैव अ बैड इम्प्रेशन बिकॉज सेलिक्स विलो ट्री जो है, इनके रूट्स जो है वो बहुत नीचे तक इन्वेड होते हैं और पाइपलाइंस में घुस जाते हैं. तो सेलिक्स जो ट्री है वो कभी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या तो फैक्ट्रीज के पास नहीं रखना चाहिए, दिस इज़ गोइंग टू ब्लॉक द पाइप्स, राइट? नाउ बेट्यूला इज ऑल्सो ट्री विच इज़ कॉल्ड बिर्च ट्री, राइट? ये आपको इतना छोटा दिख रहा है, दिस इज़ नॉट दिस स्मॉल, द ट्री इज़ एक्चुअली वेरी बिग, बट बिकॉज इट इज़ इन टुंड्रा इट इज़ ग्रोइंग स्मॉल बिकॉज ऑफ द स्टंटेड ग्रोथ, राइट? नाउ दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पल्प वुड स्पीशीज. सो कम्स द पार्ट ऑफ आर मैप वेर वी आर गोइंग टू सी दैट वेर इज टुंड्रा प्रेजेंट. सो टुंड्रा इज़ बींग डिपिक्टेड विद दिस कलर. सो दिस होल दैट यू सी इज़ द टुंड्रा. तो ये जो भी आपको दिख रहा है, दिस कलर, दिस होल इज़ टुंड्रा, दिस एंड ये भी सब पार्ट जो है, दिस इज़ ऑल्सो टुंड्रा, राइट? नाउ सी दिस पार्ट इज़ अलास्का, इसको अलास्का बोलते हैं, दिस इज़ कनाडा, राइट? अब ये पूरा कनाडा है, एज आई टोल्ड, अगर आपको मैप याद हो तो ये पूरा कनाडा है, बट कनाडा पूरा इज़ नॉट ऑफ टुंड्रा, दिस स्मॉल आइलैंड्स आर टुंड्रा, राइट? दिस इज़ ग्रीनलैंड होल, तो ग्रीनलैंड की जो ये सारी बाउंड्री है, दिस इज़ टुंड्रा. नाउ दिस या सो दिस इज़ ग्रीनलैंड, दिस इज़ टुंड्रा. नाउ आइलैंड इज़ ऑल्सो सम पार्ट टुंड्रा, बट इट इज़ मोर ऑफ माउंटेन्स. देन रशिया, दिस इज़ रशिया, सो रशिया के ऊपर की सारी बाउंड्री जो है वो टुंड्रा है, राइट? सो आई होप दैट विद दिस यू कैन रिलेट दैट वेयर ऑल टुंड्रा इज़ प्रेजेंट. दिस इज़ नॉर्थ पोल, दिस इज़ ऑल द टुंड्रा एरिया इज़ डिपिक्टेड बाय दिस कलर. सो दिस इज़ ऑल टुंड्रा बायोम, राइट? सो इट इंक्लूड्स अलास्का, कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइलैंड, रशिया, राइट? ऑल ऑफ दिस इज टुंड्रा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बायोम, दैट इज टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट, राइट?
सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्नो फॉरेस्ट. ताइगा को स्नो फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे परसिस्टेंट स्नो गिरता रहता है. ताइगा का मीनिंग होता है लैंड ऑफ लिटिल स्टिक्स. दिस इज़ अ वर्ड ऑफ रशियन ओरिजिन. मतलब ये एक रशियन वर्ड में से निकला है ताइगा, जिसका मतलब है लैंड ऑफ द लिटिल स्टिक्स, क्योंकि दीज आर ऑल मेड अप ऑफ कॉनिफरस ट्रीज. ये पूरे फॉरेस्ट में कॉनिफरस ट्रीज होते हैं और कॉनिफरस ट्रीज स्ट्रेट होते हैं स्टिक के जैसे, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ऑफ लिटिल स्टिक्स. सो अलॉन्ग द नॉर्दर्न एज ऑफ द टेम्परेट जोन आर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ कॉनिफरस ट्रीज. तो टेम्परेट जोन जो है, अब टेम्परेट जोन क्या होता है? ऐसा जोन जो जहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, समर कम होता है, उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं. मतलब इन शॉर्ट कोल्डर रीजन्स आर कॉल्ड टेम्परेट जोन. सो टेम्परेट जोन का जो भी नॉर्दर्न एज है, राइट, वहाँ पे डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट है कॉनिफरस ट्रीज के, जिसको हम बोलते हैं ताइगा. नाउ एज यू कैन सी दीज आर प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिका, एशिया, सम पार्ट्स नॉर्दर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न फॉरेस्ट ऑफ रशिया, स्पेशली साइबेरिया. ये हम मैप देखेंगे तो पता चल जाएगा, राइट. पहले समझ लेते हैं एग्जैक्टली टाइगा क्या होता है. सो दिस इज़ अ लैंड ऑफ लिटल स्टिक्स मेड अप ऑफ मोस्टली कॉनिफरस ट्रीज. एवरग्रीन होते हैं, मतलब इनके लीफ कभी भी गिरते नहीं हैं नीचे, राइट. तो द 17% ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस इन अ सरकम पोलर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, मतलब नॉर्थ में जो पार्ट है उसके सरकम पोलर बेल्ट में, मतलब जैसे जैसे हम पोल से मूव करेंगे नॉर्थ की तरफ तो उसके सरकम फरेंस पे प्रेजेंट है, इसलिए लिखा है सरकम पोलर. मतलब पोलर रीजन से सरकम फरेंस पे मूव करते हैं तो वो सारा ताइगा होता है. सो बट बियॉन्ड दिस लिमिट इट बिकम्स टुंड्रा. सी, सरकम फरेंस से जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो टुंड्रा बन जाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो इट विल बिकम ताइगा. सो अनादर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वाई इज़ इट कॉल्ड बोरियल. बोरियल इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स नॉर्थ. तो बोरियल का मतलब होता है नॉर्थ. तो क्योंकि ये जो भी बोरियल फॉरेस्ट है, ताइगा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही देखा जाता है और इसलिए इसको बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं, विच मीन्स नॉर्थ, राइट. सो दिस अकर मोस्टली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड हैंस द नेम बोरियल फॉरेस्ट. नाउ कुछ ऐसा दिखता है बोरियल फॉरेस्ट. यहाँ पे ऊपर टुंड्रा होगा तो वहाँ से हम थोड़ा नीचे आएंगे नॉर्थ पे, तो ये हमें इस तरीके के फॉरेस्ट दिखेंगे विच इज़ कॉल्ड ताइगा और बोरियल फॉरेस्ट. एज यू कैन सी यहाँ पे सारे कॉनिफरस ट्रीज़ हैं, राइट. सो व्हाट हैपन्स इन दिस फॉरेस्ट? विंटर्स आर बिटरली कोल्ड. मतलब विंटर्स तो है ही और बहुत कोल्ड है, बट समर्स आर माइल्ड एंड लॉन्ग इनफ टू अलाउ द ग्राउंड टू थॉ. अब टुंड्रा की कंपैरिजन पे यहाँ पे समर्स जो है वो थोड़े लॉन्ग है, कूल समर्स ही है बट लॉन्ग है, इतना कि ग्राउंड काफ़ी मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके के कॉनिफरस ट्रीज यहाँ पे ग्रो होने लगते हैं, राइट. सो दीज बायोम्स आर कॉल्ड बोरियल फॉरेस्ट्स और ताइगा. तो यहाँ पे जो ट्रीज़ है, द ट्रीज़ रीच द हाईएस्ट लैटिट्यूड्स ऑफ एनी ट्री ऑन अर्थ. यहाँ पे जो ट्री है वो बहुत लंबे भी जाते हैं. यहाँ पे जो ट्री है वो मतलब सबसे हाईएस्ट लैटिट्यूड पे होते हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट हाइट पे होते हैं अर्थ के. सो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बायोम? लॉन्ग कोल्ड विंटर्स. विंटर्स हैं एकदम कोल्ड है और लॉन्ग है. शॉर्ट माइल्ड समर्स. समर्स भी है, राइट, शॉर्ट है, माइल्ड है, बट इतना लॉन्ग है कि यहाँ का ग्राउंड काफ़ी मेल्ट हो जाता है. मॉडरेट प्रेसिपिटेशन. नाउ व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन? सो प्रेसिपिटेशन इज़ एनी प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ एटमोस्फेरिक वाटर वेपर, राइट, दैट फॉल्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. मतलब क्लाउड्स का कंडेंसेशन की वजह से वो
जो भी चीज़ जब नीचे आती है, वाटर किसी भी फॉर्म में नीचे आता है तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। वो रेन के फॉर्म में हो सकता है, स्नो के फॉर्म में हो सकता है, हेल्स हो सकते हैं, राइट? एंड इट कुड बी लाइट ड्रिजलिंग, आइस, एनीथिंग दैट फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्योंकि तइगा है तो यहाँ पे कंडेंसेशन में भी स्नो के फॉर्म में होता है, सो मॉडरेट प्रेसिपिटेशन है, सॉरी, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन स्नो के फॉर्म में होता है, सो दिस इज़ मॉडरेट प्रेसिपिटेशन। ह्यूमिडिटी होती है, सॉइल एसिडिक रहता है एंड न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होता है यहाँ की सॉइल में। सो नाउ वी लुक इनटू द कम्युनिटीज़ दैट आर प्रेजेंट इन टाइगा। दीज आर प्लांट कम्युनिटीज़ लाइक स्प्रूस। एज आई टोल्ड, ऑल द प्लांट कम्युनिटीज़ आर कोनीफरस ट्रीज, सो स्प्रूस इज़ अ कोनीफरस ट्री, राइट? एंड ये जो है ये जीनस पीसिया में आता है, PICEA, राइट? सो दिस इज स्प्रूस। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्रूस इज़ दैट इट विल हैव पेंड्यूलस कोन। आप देख सकते हो कि इसके कोन जो है, दीज आर हैंगिंग कोन्स, सो दीज आर पेंड्यूलस कोन। अनदर स्पीशीज इज़ फिर, राइट? फिर इज़ इट कम्स अंडर द जीनस एबिस, राइट? एंड द कोन दैट यू कैन सी, द कैरेक्टरिस्टिक हियर इज़ दैट द कोन इज़ अपराइट, स्ट्रेट, नॉट लाइक स्प्रूस पेंड्यूलस। तो फिर में अपराइट कोन होता है और टॉप ऑफ द ब्रांच प्रेजेंट होता है, मतलब ब्रांच के टॉप पे प्रेजेंट होता है। देन पाइन इज़ ऑल्सो अ कॉनिफरस ट्री, राइट? सो वट हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट पाइन फ्रॉम फिर एंड स्प्रूस इज़ दैट पाइन विल हैव वेरी वेरी लॉन्ग नीडल्स। पाइन ट्री के नीडल्स जो होते हैं, लीफ लाइक नीडल, ये बहुत लंबे होते हैं इन कंपेरिजन टू फिर एंड स्प्रूस। देन लार्च माइट बी प्रेजेंट। लार्च इज़ एक्चुअली अ डेसीडियस कॉनिफरस ट्री। अब डेसीडियस ट्री क्या होता है? ऐसे ट्रीज जो अपने लीव्स छोड़ देते हैं विंटर में, ताकि वो हार्श एनवायरनमेंट को सरवाइव कर सके। सो लार्च इज़ एक्चुअली अ डेसीडियस कॉनिफरस ट्रीज। ये सारे एवरग्रीन हैं, बट कभी कभी डेसीडियस कॉनिफरस ट्रीज भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस इज पॉपुलर, राइट? पॉपुलर इज़ ऑल्सो कॉनिफरस ट्री, बट दीज मे बी प्रेजेंट समटाइम्स, बट दीज आर द एवरग्रीन कॉनिफरस ट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन टाइगा। नाउ वट आर द एनिमल कम्युनिटीज दैट आर प्रेजेंट हियर? दिस इज लिंक्स। सो लिंक्स कम्स फ्रॉम द नेम ल्यूक, विच मीन्स रिफ्लेक्टिव आइज, राइट? और इनको आप ये ऊपर जो ऐसा हेयरी स्ट्रक्चर है, फेदरी स्ट्रक्चर है, इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दिस इज़ लिंक्स, दिस इज़ कैट फैमिली एंड दीज आर प्रिडेटर्स। तो हम कोई भी फॉरेस्ट की बात करें तो एनिमल्स, या एक तो प्रिडेटर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, राइट? एंड डीकम्पोजर्स होते हैं, राइट? सो ये प्रिडेटर्स हैं। तो हम आगे जितनी भी कम्युनिटीज़ देखेंगे, जो भी बायोम्स देखेंगे, सब में प्रिडेटर्स देखेंगे, हर्बीवोर्स देखेंगे, मे बी बर्ड्स, इंसेक्ट्स देखेंगे, राइट? देन अनादर इज टिम्बर वुल्व्स। सो टिम्बर वुल्व्स आर द वुल्व्स दैट लिव इन कॉनिफरस फॉरेस्ट, राइट? तो इनको टिम्बर वुल्व्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये जितने भी स्पीशीज़ है, ये टिम्बर ट्रीज हैं, इनके वुड्स बहुत अच्छे होते हैं, तो ये टिम्बर में घूमते हैं, इसलिए इनको टिम्बर वुल्व्स बोलते हैं। नाउ दिस इज़ अ वीसल। सो वीसल इज़ अ कार्निवरस मैमल। ये एक मैमल है एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स कनिंग नेचर। इसका नेचर कनिंग होता है, राइट? सो दिस इज़ वीसल एंड इट इज़ अ कार्निवरस मैमल। देन दिस इज़ अ बीवर। सो बीवर इज़ अ रोडेंट लाइक रैट। इट इज़ अ रोडेंट एंड इट कैन एक्चुअली, इट्स अटैक कैन बी रियली फेटल बिकॉज इसके जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। एंड दिस इज़ अ मूस, राइट? मूस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल्क, ELK, राइट? मूस आर नोन बाय देयर पामेट एंटलर्स। आप इनके एंटलर्स देखो, दीज आर पामेट, हाथ की शेप के होते हैं, राइट? सो दीज आर मूस और एल्क।
So these are the specific communities of taiga or boreal forest. So tundra तो हमने देख लिया, ये सब tundra है. तो अब जो येलो स्ट्रक्चर, येलो कलर वाला जो भी पार्ट है, दैट इज टाइगा. सो ये जो पार्ट है अलास्का, दिस इज टाइगा. नॉर्थ अमेरिका में ये कुछ हिस्सा जो है वो टाइगा है. यहाँ पे यूरोप, रशिया, साइबेरिया, ये तीनों में काफ़ी सारा पार्ट टाइगा का है, बोरियल फॉरेस्ट है. ओके, यहाँ पे लेबल करना रह गया, दिस इज कनाडा. कनाडा का काफ़ी सारा पार्ट जो है वो बोरियल है. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज टुंड्रा. टुंड्रा कनाडा का आधा पार्ट टुंड्रा है और आधा पार्ट बोरियल फॉरेस्ट है. तो ये यहाँ पे कनाडा है. सो कनाडा इज ऑल्सो टाइगा. राइट, नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट बायोम. राइट, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉइस्ट टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट बायोम्स, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम. राइट, तो अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करते हैं. तो यहाँ पे जो टेम्परेट फॉरेस्ट बायोम है वो मॉइस्ट है, मतलब यहाँ पे भेज ज़्यादा है. राइट, सो दीज आर थिक बेल्ट्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब ये ऐसा एरिया है जहाँ पे एकदम थिकली प्रेजेंट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज प्रेजेंट है, कॉनिफरस ट्रीज है बट एवरग्रीन है, और इनका बहुत डेंस यहाँ पे स्प्रेड है. माइल्ड मॉइस्ट एयर फ्रॉम द पैसिफिक ओशन ब्रिंग्स एबंडेंट रेनफॉल. तो यहाँ पे क्या होता है कि पास में ही पैसिफिक ओशन है, जिसकी वजह से मॉइस्ट एयर यानी कि भेज वाली हवा आती है जो रेनफॉल लेकर आती है. तो क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल एबंडेंट होता है, बहुत होता है, इसलिए इसको मॉइस्ट टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट बायोम बोलते हैं. तो यहाँ पे हम वैरायटी ऑफ कॉनिफर्स देख सकते हैं, बहुत सारे कॉनिफर स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट है. क्योंकि रेनफॉल बहुत होता है तो मॉस ऑफन कवर्स द ट्री ट्रंक एंड फॉरेस्ट फ्लोर. तो जो फॉरेस्ट का फ्लोर है और ट्री का जो ट्रंक है उसमें अक्सर मॉस प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ एबंडेंट रेनफॉल. क्योंकि वेट रहता है फॉरेस्ट तो मॉसेज आर मोर. डॉगवुड एंड रोडोडेंड्रॉन आर एबंडेंट. नाउ दीज आर टू ट्री स्पीशीज दैट आर एबंडेंट इन दिस एरिया. जायंट रेडवुड्स अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया. सो कैलिफोर्निया के नॉर्थ में जायंट रेडवुड्स दिखते हैं. ये ट्रीज क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस राइट नाउ. दीज आर सम ऑफ द एवरग्रीन ट्रीज. नाउ बिकॉज ऑफ लश वेजिटेशन. अब क्योंकि यहाँ का वेजिटेशन इतना लश होता है, इतना ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट. क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल एबंडेंट है तो ट्रीज का ग्रोथ बहुत अच्छा है, डेंस है, लश वेजिटेशन है, इसलिए इसको टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बोलते हैं. क्योंकि ये ऐसा रेन फॉरेस्ट है जो ठंडी जगह में प्रेजेंट है. राइट, नाउ दीज आर मोस्टली प्रेजेंट इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम सेंट्रल कैलिफोर्निया टू अलास्का अमेरिका यूरेशिया. ये अपने मैप में देख लेंगे. राइट, नाउ माइल्ड टेम्परेचर. टेम्परेचर माइल्ड है, बहुत ठंडा तो है बट बहुत ठंडा भी नहीं और लाइक गर्म भी इतना नहीं. राइट, एबंडेंट प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग फॉल. मतलब एज आई टोल्ड, प्रेसिपिटेशन इज कंडेंसेशन कमिंग टू द ग्राउंड. तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत है, मतलब एबंडेंट प्रेसिपिटेशन है. रिलेटिवली कूल ड्राई समर. मतलब टुंड्रा और टाइगा के कंपैरिजन में कूल और ड्राई समर्स होते हैं. एंड रॉकी एसिडिक सॉइल इज प्रेजेंट. सो दिस इज हाउ अ मॉइस्ट कॉनिफरस फॉरेस्ट बायोम लुक्स. एज यू कैन सी देर इज डेंस पैचेज ऑफ कॉनिफरस ट्रीज प्रेजेंट. नाउ द कम्युनिटीज दैट आर प्रेजेंट हियर आर एज यू कैन सी स्प्रूस. दिस इज फिर, जो हमने टाइगा में देखा था वही है. दिस इज स्प्रूस, दिस इज फिर, एंड दिस इज
pine, right? And rhododendron and dogwood is also present. So rhododendron and dogwood, ये दोनों flowering species है, right? So rhododendron is like beautiful pink flowering plant, right? And इसको dogwood इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि इसका bark जो है वो डॉग को स्क्यूअर्स के लिए दिया जाता है, राइट? एंड दीज आर द कॉमन कॉनिफरस ट्रीज दैट यू नो. नाउ द एनिमल, ओके, सुगा इज ऑल्सो वन सच कॉनिफरस प्लांट. सुगा इज ऑल्सो कॉल्ड हेमलॉक, इसको हेमलॉक भी बोलते हैं. एंड एक्चुअली इसका नेम ऐसे आया है कि इसके अगर लीव्स को क्रश करो तो पॉइजनस जैसा स्मेल आता है. ये पॉइजनस नहीं है बट ऐसा स्मेल आता है, राइट? दिस इज सिकोया. तो सिकोया जो है उसको रेडवुड भी बोलते हैं. अब आई थिंक वी ऑल नो दैट दिस इज़ द टॉलेस्ट ट्री ऑन द अर्थ. ये सबसे टॉलेस्ट ट्री है अर्थ का, ये सिकोया है. सिकोया सेम्पर वायरन्स भी बोलते हैं, राइट? सो दिस इज़ द टॉलेस्ट ट्री विच इज़ प्रेजेंट इन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट. नाउ the animal communities that we need to know is flying squirrel. So this is flying squirrel. Actually ye fly nahi karta but it actually glides from one tree to another, and it can like glide, it can like fly from 150 to 500 feet from one tree to another. Ye glide isliye karte taki niche jo predators inka wait kar rahe hain usse bach jaye, right? So this is elk, as I told, moose or elk, right? As we saw in the taiga. Now this is beaver. I hope we already know what beaver is. Now this is a rodent. Apart from this, there are bears present, large herbivores such as elk and deer is present, beavers, predators jaise ki owls, bobcats, members of weasel family. Weasel humne dekha tha, right? सो मैं यहाँ पे मैंने सारे फोटोग्राफ्स नहीं रखे क्योंकि पॉसिबल नहीं है. जो मुझे ऐसा लगा कि जो इम्पॉर्टेंट है दैट आई हैव केप्ट हियर, राइट? या जो शायद आपने कभी देखे नहीं होंगे दैट आई हैव केप्ट हियर. सो दिस इज़ अबाउट टेम्परेट रेन फॉरेस्ट. एंड एज आई टोल्ड द प्लांट, the conifer tree that are present could be suga heterophylla, thuja plicata. Thuja is your vidya plant. Abies grandis, that is the fir. Pseudo suga, all of these are dominant in this temperate rainforest. So where are our temperate rainforest present? Tundra or taiga to kar diya. Now third is temperate rainforest. So see, this is this area that you see is the temperate rainforest, the purple color. अभी यहाँ पे actually और भी दो तीन जगह है जो मेरे को बताना रह गया. This is Alaska वाला part. Alaska का कुछ part जो है that is temperate rainforest. North America का ये सब जो part है that is temperate rainforest. California का भी कुछ part है जो temperate rainforest है. So maybe I can now highlight. So यहाँ पर कुछ part जो है that is temperate rainforest. Sorry for the different color, but I think you can understand what I am trying to say. Yeah, so the temperate rainforest is in some part of North America, Alaska and California. Now coming to the fourth type of terrestrial biome, which is temperate deciduous forest. A forest, as you know, could be temperate it could be a rainforest or it could be a deciduous forest. Koi bhi forest like do type ka hota hi hai, rainforest ya to deciduous rainforest. Sorry, rainforest ya to deciduous forest. To rainforest matlab aisa forest
जहाँ पे रेनफॉल ईयर राउंड रहता है। अब डेसिड्यूस फॉरेस्ट मतलब ऐसा फॉरेस्ट कि जहाँ पे रेनफॉल ईयर राउंड नहीं होता, तो यहाँ पे अलग अलग सीजन्स होते हैं, विंटर भी काफ़ी होता है, तो विंटर में जो है ट्रीज़ अपने लीव्स छोड़ देते हैं, तो इनको डेसिड्यूस ट्रीज़ बोलते हैं और इसलिए उस फॉरेस्ट को डेसिड्यूस फॉरेस्ट बायोम्स बोलते हैं। तो पहले जो हमने देखा दैट इज़ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट वेयर जितने भी ट्रीज़ थे दोज वेर एवरग्रीन ट्रीज़, वो अपने लीव्स कभी नहीं छोड़ते क्योंकि रेनफॉल उनको कंसिस्टेंट मिलता रहता है। अब ये जो हाँ बायोम है दैट इज़ टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल इतना कंसिस्टेंट नहीं होता और उसकी वजह से यहाँ पे सीजन्स बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट। सो दिस लाई इन द मिड लैटिट्यूड एरिया ऑफ अर्थ बिटवीन द आर्टिक पोल्स एंड द ट्रॉपिक्स। तो ये एरिया कहाँ पे प्रेजेंट है? आर्टिक पोल्स और ट्रॉपिक्स के बीच में प्रेजेंट है, तो ना ही बहुत ठंडा है और ना ही बहुत गर्म है, बट अब धीरे धीरे इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स ट्रॉपिक, राइट? सो हियर वॉर्म एंड कोल्ड एयर मासेस कॉज देम टू हैव फोर सीजन्स। तो यहाँ पे ठंडी हवा भी है और गर्म हवा भी है, राइट? तो जिसकी वजह से यहाँ पे फोर सीजन्स बनते हैं, विंटर स्प्रिंग समर एंड फॉल, यानी कि विंटर स्प्रिंग समर एंड ऑटम, राइट? नाउ एक्चुअली आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ स्प्रिंग एंड ऑटम, दो आई नो ऑल ऑफ़ यू मस्ट बी नोइंग, बट कितनी बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें पता होती है बट जब एक्सप्लेन करने की बात आती है तो हम नहीं कर पाते, राइट? सो वी नो व्हाट इज़ विंटर सीजन जहाँ पे ठंडी होती है एंड समर सीजन जहाँ पे गर्मी होती है। अब विंटर और समर के बीच में जो सीज़न आता है दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग, राइट? और समर और विंटर के बीच में जो सीज़न आता है दैट इज़ कॉल्ड फॉल और ऑटम। तो ऑटम किस लिए होता है? जब विंटर आता है तब, क्योंकि ट्रीज़ जो है वो हार्श एनवायरनमेंट को विथस्टैंड नहीं कर सकते, तो इसमें क्या होता है क्योंकि ठंडी बहुत होती है तो ठंडी हवा, आइस, स्नो सब कुछ लीफ को अल्टीमेटली नुकसान कर सकता है, और जिसकी वजह से लीफ जो है वो अल्टीमेटली मर ही जाएंगे। तो उसकी जगह ट्रीज़ क्या करते हैं, वो खुद अपना सेवियर मैकेनिज़्म बनाते हैं। विंटर आता है तो वो अपने लीफ छोड़ देते हैं और वो अपना पूरा एनर्जी अपने स्टेम में, यानी जो उनका बार्क है, जो स्टेम है, जो मेन पार्ट है, ट्रंक है, उसमें कंजर्व करके रखते हैं। फिर जैसे ही विंटर जाता है देन अराइव्स द स्प्रिंग सीजन। तो विंटर में पूरा टाइम वो ट्री जो है अपना लीफ छोड़ देता है और ऐसा लगेगा जैसे ड्राई ट्री है, बट ऐसा होता नहीं है, द ट्री इज़ लिविंग, राइट? सो एज द विंटर विल स्टार्ट गोइंग स्प्रिंग सीजन विल कम। तो स्प्रिंग में क्या होगा, विंटर जा रहा है तो ट्री वापस खिलेगा, अपने पत्ते वो बाहर निकालेगा, नए पत्ते आएंगे, सो दिस इज़ द स्प्राउटिंग सीजन। क्योंकि अब समर आ रहा है तो दे एक्चुअली नीड लीव्स जो काम कर सके, उनका एनर्जी बना सके, राइट? सो इन दिस वे देर आर फोर सीजन्स इन अ टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट। नाउ दिस फॉरेस्ट हैज़ अ मिक्सचर ऑफ डेसीड्यूस एंड कॉनिफरस ट्रीज़। यहाँ पे दोनों तरह के ट्रीज़ देखने मिलते हैं, कॉनिफरस भी और डेसीड्यूस भी। दीज हैव कोल्ड विंटर्स, हाल्ट प्लांट ग्रोथ फॉर सेवरल मंथ्स। तो यहाँ पे विंटर्स जो है वो बहुत ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से जैसे मैंने कहा प्लांट अपना ग्रोथ रोक देते हैं काफ़ी महीनों के लिए, तो उसके लिए वो अपने लीव्स छोड़ देते हैं। इन ऑटम डेसीड्यूस ट्रीज दे शेड देयर लीव्स एंड इन स्प्रिंग स्मॉल प्लांट्स बस्ट आउट ऑफ ग्राउंड एंड फ्लोर। और स्प्रिंग में नए प्लांट्स वापस आने लगते हैं। सो ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे काफ़ी रिच लेयर हमें देखने मिलता है फॉरेस्ट में। एक तो होता है कैनोपी लेयर जो बनता है बड़ी बड़ी ट्रीज़ की वजह से, जिनकी कैनोपी बड़ी होती है, ओक, बिर्च, बीच, ये सब जो है डेसीड्यूस ट्रीज़ हैं, इनकी वजह से एक डेंस कैनोपी बनती है।
देन देर इज अंडर स्टोरी, मतलब कैनोपी के नीचे का जो लेयर है, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर ट्री स्पीशीज दैट हैव नॉट रीच्ड फुल हाइट, मतलब यहाँ पे ऐसी ट्रीज है जो अभी भी फुल हाइट तक पहुँची नहीं है. देन कम्स द श्रब लेयर विच इज़ वुडी वेजिटेशन सच एज बुशीज एंड ब्रैम्बल्स, तो यहाँ पे ऐसे वेजिटेशन होंगे जो श्रब्स होंगे या तो ब्रैम्बल्स यानी कि क्लाइंबिंग वेजिटेशन होगा. देन देर वुड बी हर्ब लेयर, दीज आर सॉफ्ट स्टेम्ड हर्बेशियस प्लांट्स इंक्लूडिंग वाइल्ड फ्लावर्स फर्न्स एंड ग्रासेस, तो ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होंगे जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट फर्न्स और ग्रासेस. और फिर होगा फॉरेस्ट फ्लोर, तो फॉरेस्ट फ्लोर हमको पता है कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, डिकेइंग लीव्स हो सकते हैं. दिस इज़ रिच सॉइल, यहाँ की सॉइल रिच होती है क्योंकि लीव्स कंटिन्यूसली गिरते रहते हैं. डिकेइंग लीव्स की वजह से सॉइल में ह्यूमस बनता है और कंपोस्टिंग होता है जिसकी वजह से सब जो सॉइल लेयर है वो रिच हो जाता है. मॉस प्रेजेंट होता है, एनिमल वेस्ट होता है कितनी बार, राइट. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो प्रेजेंट ही है, फंजाई बैक्टीरिया ये सब मिलके डिकम्पोजिशन का काम करते हैं. सो दिस इज़ मेनली सीन इन नॉर्थ अमेरिका, ऑल ऑफ यूरोप, पार्ट ऑफ जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड टिप ऑफ साउथ अमेरिका. सो ब्रॉड लीव डेसीडियस ट्रीज यहाँ पे देखने मिलते हैं. तो यहाँ पे दो तरह के ट्रीज होते हैं, ब्रॉड लीव डेसीडियस ट्रीज भी होते हैं और कॉनिफर्स भी होते हैं जो जिनका निडल टाइप लीफ होता है. फ्लावरिंग शर्ब्स हर्ब्स ग्राउंड लेयर होता है, राइट. रिच ह्यूमस सॉइल होता है ड्यू टू फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, और इसलिए यहाँ की सॉइल रिच और फर्टाइल है, राइट. सो दिस इज टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट. एंड हियर प्रेसिपिटेशन फॉलिंग इन द फॉर्म ऑफ स्नो, यानी कि प्रेसिपिटेशन जो है वो स्नो के फॉर्म में आता है. अब यहाँ पे कम्युनिटीज कौन सी है, दीज आर पल्पी फ्रूट एंड नट प्लांट्स लाइक एकॉन्स एंड बीच नट्स, तो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिनमें पल्पी फ्रूट्स बनते हैं, नट्स बनता है, तो एकॉन्स और बीच नट्स जैसे प्लांट होते हैं. कॉनिफर्स एंड पाइन्स है जो सब क्लाइमेक स्टेट्स में प्रेजेंट है, राइट. अभी दीज आर द एनिमल्स बट वी कैन सी विद द फोटोग्राफ, सो दिस इज बीच ट्री, राइट. सो बीच ट्री इज अ गुड ट्री फॉर वुड एंड ऑयल पर्पस, राइट. देन मेपल ट्री, मेपल ट्री हम सबको पता है, राइट. ऐसे पत्ते जो होते हैं पाम शेप्ड लीफ, दिस इज़ द मेपल ट्री एंड दिस इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल ब्राइट कलर्स ड्यूरिंग वेन इट इज़ ऑटम, राइट. एंड मेपल इज़ अ वेरी यूजफुल ट्री फ्रॉम विच मेपल सिरप इज मेड एंड इट इज़ ऑल्सो अ वुड स्पीशीज एंड दिस इज़ द नेशनल ट्री ऑफ कैनेडा, मतलब पूरे ही कैनेडा में मेपल ट्री प्रेजेंट है, राइट. देन दिस इज ओक ट्री, ओक ट्री के लीव्स है ये, राइट. सो ओक ट्री इज अ ट्री दैट गिव्स एरोमा, यूज्ड फॉर एरोमा इज यूज्ड फॉर वुड एंड इट इज़ ऑल्सो अ की स्टोन स्पीशीज, मतलब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है क्योंकि ये बहुत सारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स और बर्ड्स को इसके आसपास होते हैं. सो दिस इज़ अ की स्टोन स्पीशीज एंड इसका जो इसमें से आई थिंक कुछ नट्स भी निकलता है, राइट. एंड दिस इज चेस्टनट, सो चेस्टनट इज दिस इज़ अ नट दैट इज़ यूज्ड देयर नेटिवली, वहाँ पे नेटिवली यूज़ होता है खाने के लिए. इसका नट जो है वो रोस्ट करके एंड इट इज़ ईटन, इट इज़ ऑल्सो एन एंटी ऑक्सीडेंट. Now this is black bear, right? So black bear are dominant in the temperate deciduous forest. ये tree के ऊपर चढ़ के रहते हैं, right? These are carnivorous but, right? ये predators हैं. Then bobcat जो है वो भी predator है. Bobcat को उसका name मिला है उसके tail में से, उसका जो tail होता है वो बहुत छोटा सा होता है. तो बॉब का मतलब यूजुअली क्या होता है, क्विक मूवमेंट. तो सिंस इट हैज़ अ स्मॉल टेल, सो व्हेन इट मूव्स इट लुक्स लाइक इट मूव्स वेरी क्विकली एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बॉबकैट. देन राकून,
Raccoon is a mammal, and it is dangerous to be near a raccoon because it is a carrier of rabies. तो अगर आपका पेट या फिर आप राकून के कॉन्टैक्ट में आए तो ये रेबीज स्प्रेड कर सकता है, राइट? देन स्कंक्स, स्कंक्स आर ऑल्सो मैमल, राइट? दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू स्प्रे सम लिक्विड विथ अनप्लेजेंट स्मेल. तो ये जो है इनके पास एबिलिटी है कि ये अनप्लेजेंट स्मेल वाला कुछ लिक्विड स्प्रे करते हैं, राइट? समटाइम्स. सो दीज आर स्कंक्स, या. एंड टर्की, सो टर्की इज अ बर्ड, इनफैक्ट इट इज़ अ लार्ज बर्ड, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द कम्युनिटीज इन टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट. Now we see in the graph, so where the temperate deciduous forest lies. So it is given by light pink color. तो आप देख सकते हो ये जो भी light pink color है ये सब temperate deciduous forest है. So this is basically part of North America, right? Here also North America. This is South America में है थोड़ा सा, here Europe में है, right? And this is part of China. This is also temperate deciduous and whole of Japan almost and some part of Australia. So as I told, US, that is North America, South America ka kuch parts hai, then Europe mein hai, then China ka some part and Japan almost and okay and some part of Australia. So all of these are temperate deciduous forest. Coming to the next forest, that is broad-leaved evergreen subtropical forest. अब इसको subtropical इसलिए बोलते हैं क्योंकि this comes, ये एक ऐसी situation में होते हैं जो ना पूरी तरह tropical होता है और ना ही पूरी तरह temperate होता है, और इसलिए हम subtropical forest बोलते हैं. तो यहाँ पर जो भी forest है उसमें almost broad-leaf वाले plants होते हैं, right? But sometimes कुछ conifers भी present होते हैं. So these are well developed in the warm temperate marine climate of central and southern Japan, Florida Gulf and South Atlantic coasts. So ये सब area में ये prominent होते हैं जहाँ पर temperate region तो है but warm है काफ़ी, right? ठंडी है of course, but summers शायद थोड़े long है जिसकी वजह से यहाँ पर broadleaf vegetation हो जाता है. Develop under conditions of high moisture, मतलब यहाँ पे moisture भी ज़्यादा है. So there is less pronounced difference between winter and summer. तो ये ऐसा area है जहाँ पे winter और summer exactly इतना difference नहीं है. So these conditions leads from temperate deciduous forest to broad-leaved evergreen forest climax. तो जब ऐसी condition हो जाती है कि winter और summer के बीच में ज़्यादा difference नहीं है जो टेम्परेट डेसीडियस में था और मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा है, राइट? तो उसकी वजह से टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट ही ब्रॉडलीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट में आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो ये कुछ स्पीशीज़ है. दिस इज़ क्वर्कस, दैट इज़ द ओक ट्री स्पीशीज़. क्वर्कस विर्जियाना बोलते हैं ओक ट्री को. दिस इज़ मैग्नोलिया स्पीशीज़, राइट? एंड या, and this is subal palmetto, that is this is a palm species, right? This is also called cabbage palm. तो सारी broad leaf species यहाँ पर आने लगती है, right? And common vines and epiphytes, epiphytes यानी कि orchids, vines यानी the climbing ones, ये सब तो present है ही. But this actually I am not showing in the map क्योंकि ये बहुत छोटी area में present है और मैं map में बता नहीं सकती थी, right? So I have not shown this broad-leaved evergreen subtropical forest in the map, right? So this is like a kind of temperate forest only, temperate deciduous में से ही convert हुआ है, but बहुत छोटे patches है इसके, so is not shown in the map. Coming to the sixth type of biome, which is the temperate grassland biome. So as the name suggests, temperate यानी कि ठंडे area में, grassland यानी कि grass वाला area, right?
सो दिस कवर लार्ज एरिया ऑफ अर्थ वेयर देर इज़ वेरी लो रेनफॉल. अब ये ऐसी एरिया में होता है जहाँ पे रेनफॉल लो है, लाइक 10 to 30 inch, राइट. सो इतना कम रेनफॉल फॉरेस्ट लाइफ को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता, एंड देयर फॉर यहाँ पर सिर्फ ग्रासेस होते हैं. बट दीज आर हायर देन डेजर्ट्स. बट डेजर्ट जैसी कंडीशन नहीं है, डेजर्ट से तो बेटर है. रेनफॉल है, डेजर्ट जैसे बिल्कुल रेनफॉल नहीं है, ऐसा नहीं है. बट दीज आर बेटर देन डेजर्ट्स बट कैन नॉट सपोर्ट द फॉरेस्ट लाइफ. सो ट्रीज एंड लार्ज श्रब्स यूजुअली यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. जो भी ट्रीज है, श्रब्स है, वो सब एब्सेंट है क्योंकि इतना रेनफॉल ही नहीं है. बट ग्रासलैंड्स कैन ऑल्सो अकर इन फॉरेस्ट क्लाइमेट इफ़ एडाफिक फैक्टर्स चेंज. बट कितनी बार ऐसा होता है कि फॉरेस्ट में जो एडाफिक फैक्टर्स है, यानी सॉइल फैक्टर्स जो है, वो चेंज हो जाए तो भी ग्रासलैंड फॉरेस्ट में से ग्रासलैंड बन जाता है, राइट. सो दिस जनरली अकर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स. अब ये जो ग्रासलैंड्स है, ये कॉन्टिनेंट्स के, जैसे कि अमेरिका है तो उसके इंटीरियर में प्रेजेंट होता है. सो हियर द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन्फ्लुएंसेस द हाइट ऑफ ग्रासलैंड. अब यहाँ पे रेनफॉल कितना है वो बताता है कि ग्रासलैंड का हाइट क्या होगा. ऑब्वियसली रेन ज़्यादा होगी तो ग्रासलैंड का हाइट थोड़ा ज़्यादा होगा, कम होगा तो ग्रासलैंड का हाइट कम होगा. सो इन नॉर्थ अमेरिका मेनली देर आर टू जोन्स, ईस्ट जोन एंड वेस्ट जोन. तो ईस्ट जोन में यू कैन सी टॉल ग्रासेस. ईस्ट जोन में टॉल ग्रासेस हैं क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल शायद थोड़ा ज़्यादा होगा. और वेस्ट जोन में कहीं पे मिड ग्रासेस है, मतलब मीडियम हाइट वाले ग्रासेस है, और कहीं पे शॉर्ट ग्रासेस है क्योंकि ईस्ट जोन की कंपैरिजन में यहाँ पे रेनफॉल थोड़ा कम होगा. समर टेम्परेचर्स कैन बी वेल ओवर 38 degrees एंड विंटर लेस देन -40. तो विंटर माइनस में भी जा सकता है और समर्स जो है 38-40 तक जाता है. नाउ ग्रासलैंड है, यहाँ पे ग्रासेस के अलावा बहुत सारी फ्लावर स्पीशीज़ भी प्रेजेंट होगी जो ग्रासेस के बीच बीच में ग्रो करती है. सो दिस लुक्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. सो दीज आर रिच मिक्सेस ऑफ ग्रासेस विथ अलॉन्ग विथ फ्लावरिंग स्पीशीज. सो वंस अपॉन अ टाइम यूनाइटेड स्टेट्स में पूरा जो था वो प्लेन्स एंड प्रेरीज था, वो पूरा ग्रासलैंड से कवर्ड था, राइट. सो प्रेरी इज़ एक्चुअली अ टर्म फॉर एन इकोसिस्टम दैट हैज़ ओनली हर्बेशियस प्लांट. तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में एक टाइम पे प्लेन्स और प्रेरीज जो थे वो पूरा ग्रासलैंड से और फ्लावरिंग प्लांट से कवर्ड था. बट सिंस द डेवलपमेंट ऑफ स्टील प्लो. नाउ व्हाट इज़ स्टील प्लो? स्टील प्लो मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें से सॉइल को डिग कर सकते हैं, प्लाउ कर सकते हैं. तो जब से स्टील प्लो बन गया तब से ये सारे ग्रासलैंड्स, दीज हैज़ बीन कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल फील्ड्स. तो दीज ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल फील्ड्स बिकॉज स्टील प्लो आ गया. स्टील प्लो आ गया, लोगों को प्लाउइंग करना आ गया, सॉइल को प्लाउ करना आ गया, जिसकी वजह से नए नए दूसरे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, एंड देयरफॉर दिस गॉट कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल फील्ड्स. नाउ दिस इज़ अ थ्रेट, ये हार्मफुल है क्योंकि ग्रासलैंड जो है वो अपने आप में बहुत सारी कम्युनिटीज़ को अपने अंदर रखता है, चाहे वो एनिमल्स हो, राइट. तो बहुत सारे एनिमल्स ग्रासलैंड्स में रहते हैं, डिपेंड करते हैं उन पर. तो अगर ये ग्रासलैंड्स एग्रीकल्चरल फील्ड्स बन जाते हैं, सो दिस इज़ अ थ्रेट टू ऑल दो स्पीशीज. नाउ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रासलैंड इज पीरियोडिक फायर एंड हैवी ग्रेजिंग. नाउ सी ग्रासलैंड रहे उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि पीरियोडिक फायर हो और हैवी ग्रेजिंग हो. क्यों? बिकॉज द पीरियोडिक फायर एंड हैवी ग्रेजिंग जो है वो ग्रासलैंड को मेंटेन करता है, राइट. कैसे? क्योंकि अगर पीरियोडिक फायर नहीं होगा तो जो श्रब या ट्री बनने लगेंगे वो पूरे डेवलप हो जाएंगे, तो ग्रासलैंड जो है वो ट्री लैंड बन जाएगा. पर क्योंकि श्रब्स और ट्री को पीरियोडिक फायर की वजह से वो जल जाते हैं, और ग्रेजिंग की वजह से ट्रीज़ को जो है एनिमल्स खा लेते हैं,
तो वो ग्रासलैंड ग्रासलैंड बना रहता है, राइट? सो दिस इज़ मेन रीज़न वाई द ग्रासलैंड इज़ मेंटेन्ड. नाउ देर आर लश पेरिनियल ग्रासेज एंड हर्ब्स विच आर मोस्टली रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, फायर एंड कोल्ड. यहाँ पे ऐसे ग्रासेज होंगे जो ड्रॉट, फायर और कोल्ड को रेजिस्टेंट होंगे, राइट? सो एज यू कैन सी दीज दिस इज द this is the temperate grassland biomes, right? Now so this is how temperate grassland biomes look. There are no trees, right? And also there are some flower species present. अब यहाँ पे ये कहाँ पे प्रेजेंट है? साउथ अफ्रीका, हंगेरी, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, राइट? स्टीपीज ऑफ द सोवियत यूनियन, प्लेन्स एंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वो हम मैप में देखते हैं. अभी पहले कम्युनिटीज़ देख ले. सो दिस इज़ अ ग्रिजली बियर, राइट? ग्रिजली बियर आर कार्निवोरस. इनको ग्रिजली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डार्क और वाइट हेयर का कॉम्बिनेशन होता है. So such a term is given, grizzly, for those that have a mix of two colors, right? Then this is mule deer. Mule deer is called mule deer because उसके जो ears है वो काफ़ी लंबे होते हैं, which mainly happens in donkeys and all or mules. So this is a mule deer. This is a herbivore. This is grizzly bear is a carnivore. Pronghorn deer इसलिए बोलते हैं because these have pointed horns, right? Prong का मतलब होता है pointed, so this is pronghorn deer. Then rabbits we all know. This is a prairie dog. Now prairie dog is a rodent. Prairie dog एक rodent है और ये mainly herbivore है, पर इसको dog इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका habitat और इसकी आवाज़ जो होती है वो डॉग को मैच करती है. जब डॉग बार्क करता है तो इसलिए इसको प्रेरी डॉग बोलते हैं, राइट? एंड दिस इज़ कोयोट. कोयोट इज़ अ कार्निवोर. दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वुल्फ एंड जैकल्स एंड ऑल, राइट? नाउ दिस इज़ अ बैडजर. सो बैडजर इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ शॉर्ट लेग्स. इसके लेग्स बहुत शॉर्ट होते हैं एंड ये ओमनीवोर होता है, राइट? सो दिस इज़ अ बैडजर. नाउ दीज आर द प्लांट स्पीशीज. यहाँ पे जो ग्रास है, वेराइटीज ऑफ ग्रास होते हैं. सम ऑफ दीज आर पर्पल नीडल ग्रास क्योंकि इसका जो टिप है वो नीडल की तरह पर्पल नीडल जैसा दिखता है. दिस इज ब्लू ग्रामा स्पीशीज. देन दिस इज एस्टर. सम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स दैट ग्रो अमंग द ग्रासेस आर एस्टर्स, ब्लेजिंग स्टार्स and golden rods, right? This is also called yellow white flower, golden rods flowering plant. This is wild indigo. ये wild indigo जो है ये actually indigo plant नहीं है, पर ये indigo जैसा इसका flower दिखता है. This is a false indigo and then this is called wild indigo flower. And this is a cone flower. Cone flower को cone flower इसलिए बोलते हैं because इसका जो middle disc है, this takes the shape of a cone. Therefore, this is called a cone flower. So all of these grasses and some flowering plants are present. Now, apart from these animals, there are introduced cattle also present in the grassland. मतलब farmers अपने cattle को लेकर आते हैं. So historically these include bison. Then birds भी present है बहुत सारे, like hawks, owls, bob white, prairie chicken, mountain plover. Reptiles present है like snakes, and insects like ant and grasshoppers are common in grasslands. So where is the temperate grassland present? The light green color that you know is the temperate grassland. So this wala color is temperate grassland. So this is North America का सेंट्रल पार्ट. देन दिस इज थोड़ा सा मिडल ईस्ट में थोड़ा सा, एंड सम पार्ट ऑफ दिस.
between Russia and this Middle East, right? And some part of Argentina. So this is Central North America. This is Argentina, which is actually a part of South America. And this is Central Asia, मतलब Asia का कुछ part. This is South Africa, यहाँ पे भी है actually. Maybe I have not shown, so we can show here with this. So this is South Africa का कुछ part है, वहाँ भी है. And and yes, ये जो Central Asia वाला part मैंने बताया, ये इसमें ये चार जगह इंक्लूडेड है इन टेम्परेट ग्रासलैंड, द कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. सो दीज ऑल प्लेसेस आर इंक्लूडेड इन द सेंट्रल एशिया. अगर आप देखो तो बहुत छोटे छोटे हैं एक्चुअली यहाँ पे, राइट? सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स. सो and some part of Australia is also having. Now we move towards the ninth type of biome, which is the next type of biome, which is a chaparral biome, right? This is called temperate woodland and shrubland. Isko temperate woodland ya shrubland bhi bolte hain. So here there is mild temperate regions with abundant winter rainfall but dry summers. तो यहाँ पे विंटर रेनफॉल एबंडेंट है, मतलब टेम्परेट रीजन ही है, ठंडी है, विंटर है, पर विंटर में रेनफॉल भी है, बट द कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट कि बहुत 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 ड्राई समर है, राइट? सो द वर्ड इज़ अ स्पैनिश वर्ड विच इज़ कॉल्ड चपारो, विच मीन्स फॉरेस्ट मेड ऑफ शॉर्ट ट्रीज, राइट? तो चपारो का मतलब है ऐसा फॉरेस्ट जो शॉर्ट ट्रीज से बना है, मतलब इन शॉर्ट श्रब से बना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं चपारल बायोम. एक्चुअली मैंने तो जब पहले वर्ड सुना तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ आई डोंट नो कुछ गुजराती वर्ड है और समथिंग, बट इट सीम्स लाइक दैट, बट दिस इज़ अ स्पैनिश वर्ड विच मीन्स फॉरेस्ट मेड ऑफ शॉर्ट ट्रीज. वेजिटेशन इज स्क्लेरोफाइल, तो यहाँ पे जो भी वेजिटेशन है वो स्क्लेरोफाइल है. स्क्लेरोफाइल्स क्या होते हैं? विच मीन्स हार्ड लिव्ड इन ग्रीक. तो स्क्लेरोफाइल ऐसे वेजिटेशन है, ऐसे प्लांट्स हैं जिनका लीफ जो है वो काफ़ी हार्ड होता है, राइट? अ मिक्स ऑफ श्रब कम्युनिटीज एंड ओपन वुडलैंड्स. सो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, श्रब कम्युनिटीज प्रेजेंट है, पर बीच बीच में कहीं कहीं पे वुडलैंड्स भी प्रेजेंट होंगे. सो फायर इज़ द चीफ फैक्टर ऑफ डोमिनेंस ऑफ श्रब ओवर द ट्रीज. अब इन एरियाज़ में श्रब्स क्यों ज़्यादा है? बिकॉज यहाँ पे फायर होते रहते हैं, तो फायर की वजह से ट्रीज जो है वो सब ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ श्रब रह जाते हैं, राइट? Thus these communities will be partly a fire disclimax. तो यहाँ की जो श्रब कम्युनिटी है इसको फायर डिसक्लाइमेक्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि डिसक्लाइमेक्स यानी कि ऐसी कम्युनिटी जो क्लाइमेक्स तक पहुँचने नहीं देती. तो क्योंकि फायर हो जाता है तो श्रब जो ये जो कम्युनिटी है श्रब स्टेज तक ही रह जाता है, ट्री स्टेज तक पहुँच ही नहीं पाता, राइट? सो दीज कम्युनिटीज इज़ अ फायर डिसक्लाइमेक्स. The chaparral of the winter rain areas of the Mediterranean regions is called machi, right? अब Mediterranean region यानी कि almost like थोड़ा सा equator के ऊपर along the coastal lines is called Mediterranean region. So वहाँ पर इसको machi बोलते हैं. Then similar vegetation if present in Australia is called mallee scrub. ऐसा ही vegetation Australia में present है तो उसको मैले स्क्रब बोलते हैं. प्लांट्स आर पायरोफाइट. सी द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाई यहाँ पे ट्रीज जल जाते हैं इस क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स जो है वो पायरोफाइट्स है, ट्रीज जो है वो पायरोफाइट्स है, विच मीन्स दैट दे आर फायर लविंग स्पीशीज. ऐसी ट्रीज है जो फायर ज़रा सा कुछ स्पार्क हुआ दे विल स्टार्ट बर्निंग, सो देयरफॉर द ट्रीज हियर गेट्स बर्न्ड. इन द ओपन वुडलैंड्स
Large areas of grasses and wildflowers such as poppies are interspersed with oak trees. तो यहाँ पे woodlands जो है, यहाँ पे grasses और wildflowers, poppy जैसे flowers होते हैं और बीच बीच में oak trees होते हैं. So communities that are dominated by shrubs, mainly these are communities that are dominated by shrubs. So see, this is a chaparral biome. You can see के कहीं कहीं पे trees होंगे, छोटे छोटे shrubs हैं, right? So this is a chaparral biome. So hot dry summers, बहुत dry summer है, cool moist winter है, nutrient poor soil है and periodic fires तो है ही है, right? So the growth of dense low plants that contain flammable oil makes fire a constant threat. अब यहाँ के tree की characteristic है कि फ्लेमेबल ऑयल होता है, मतलब ऑयल वाले प्लांट होते हैं ये. तो ऑयल जो है उसको ज़रा सा, ट्री को ज़रा सा स्पार्क मिलता है, ऑयल में से गैस निकलता है और पूरा पूरा का पूरा फॉरेस्ट एक साथ बर्न होने लगता है. सो दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट थ्रेट समटाइम्स, राइट. सो यहाँ पे वुडी एवरग्रीन श्रब्स होते हैं विथ स्मॉल लेदरी लीव्स विच आर फ्रेग्रेंट. Oily herbs that grow during winter and die in summer. और ऐसे herbs होते हैं जो winter में grow होते हैं, summer में मर जाते हैं, क्योंकि oily होते हैं तो flame हो जाता है जिसकी वजह से they die. Now, why are these species pyrophyte is also one thing is that कि ये trees इसलिए भी जल जाते हैं क्योंकि fire इनके लिए reproduction का काम करता है. तो इसीलिए भी दे बर्न, सो दैट उनका जो भी समटाइम्स जो भी उनका फ्रूट्स या जो भी है, इट गोज़ हियर एंड देयर एंड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, राइट. सो दिस इज़ कॉमन अकरेंस इन कैलिफोर्निया एंड मैक्सिको अलॉन्ग द शोर्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी एंड अलॉन्ग द साउदर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड सम पार्ट्स ऑफ यूरोप. नाउ द कम्युनिटीज दैट यू कैन सी हियर इज़ कैलिफोर्नियन क्वेल, लाइक ये एक बर्ड स्पीशीज़ है वहाँ की जो सिर्फ कैलिफोर्निया में होती है. यू कैन डिमार्केटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ अ क्राउन, नॉट अ क्राउन बट अ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर. इसमें कुछ सिक्स फेदर्स होते हैं, राइट. सो दिस इज़ अ कैलिफोर्नियन क्वेल. दिस इज़ वेस्टर्न स्क्रब जे. ये कभी माइग्रेशन नहीं करता, हमेशा कैलिफोर्निया, अलास्का, लाइक नॉर्थ अमेरिका के रीजन में रहता है. देन दिस इज़ अ ब्लैक टेल्ड डियर. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर प्रिडेटर्स सच एज कोयोट्स. कोयोट्स हमने पहले देखा था, फॉक्सेस, बॉब कैट्स, माउंटेन लायंस. देन हर्बीवोर सच एज ब्लैक टेल्ड डियर, रैबिट, स्क्विरल्स, माइस एंड ऑल्सो बर्ड्स लाइक हॉक्स. ओके, सो कैलिफोर्नियन क्वेल अलग था तो मैंने यहाँ पे रखा. वेस्टर्न स्क्रब जे, वॉबलर्स एंड अदर सॉन्ग बर्ड्स. देर आर ऑल्सो रेप्टाइल्स लाइक लीजर्ड, स्नेक्स, बटरफ्लाइज एंड स्पाइडर्स. अब यहाँ पे ट्रीज, जैसे कि ये ओक ट्री है, राइट, यूकैलिप्टस ट्री, जायंट सिकोयाज है, एडेनोस्टोमा और आर्क्टोस्टेफाइलोज, ये दोनों वहाँ के श्रब्स हैं, राइट. अभी ये तीनों ही ट्री जो होते हैं वो हाईली फ्लेमेबल होते हैं. ओक ट्रीज भी बर्न हो सकता है, यूकेलिप्टस तो हमें पता ही है कि यूकेलिप्टस ऑयल होता है, तो ज़रा सा कुछ स्पार्क मिला तो ऑयल जो है इट कन्वर्ट्स इनटू गैस एंड देन दिस लीड्स टू होल फायर. सो पूरे कैलिफोर्निया में यूकेलिप्टस ट्री है एंड दिस इज़ द रीज़न वाई देर आर फायर्स. So Adenostoma, Arctostaphylos are common shrubs with a number of evergreen oaks. Now, where is the chaparral biome present? The brown color. So actually, मैं बताना रह गया, ये जो California है, most of the California, actually I'm trying to get an ink. There is no brown color, fine. Most of the California is like is what we say as the chaparral biome because I like
मेरी जो फोई है वो कैलिफोर्निया में रहती है एंड शी ऑलवेज यूज टू से दैट अभी तो फायर सीजन है एंड आई यूज टू वंडर दैट व्हाट इज़ फायर सीज़न. ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने आप आग लग जाती है. सो आई थिंक नाउ आई नो द रीज़न एंड आई होप नाउ यू नो द रीज़न व्हाई इज़ देयर सो मच फायर इन कैलिफोर्निया. वहाँ पे लाइक अलार्म्स होते हैं कि आज यहाँ पे ज़्यादा फायर है, इस एरिया में मत जाना, राइट. सो दिस इज़ एक्चुअली देर इज़ अ सेपरेट फायर सीजन इन कैलिफोर्निया. सो दिस इज़ इन कैलिफोर्निया देर इज़ इट इज़ प्रेजेंट इन सम पार्ट्स ऑफ मैक्सिको एंड इन दिस द लोअर पार्ट्स ऑफ यूरोप. दिस थ्री प्लेसेस हैव द चपारल बायोम्स. नाउ द नेक्स्ट बायोम इज़ द डेजर्ट बायोम. सो दिस अकर इन रीजन ऑफ रेनफॉल लेस देन 10 inches और ग्रेटर रेनफॉल दैट आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो हम सबको पता है डेजर्ट मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे रेनफॉल 10 inches से कम, यानी कि बहुत कम रेनफॉल होता है, या तो बहुत ज़्यादा होता है बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिससे लाइफ वहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकती. सो दीज आर एक्चुअली ड्राई रीजन्स. एनुअल प्रेसिपिटेशन 25 centimeters से भी कम. सो मैनी डेजर्ट अंडर गो एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग अ डे. बहुत सारे डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम चेंजेस होता है टेम्परेचर में, राइट. मतलब गर्मी होगी तो बेहद गर्मी होगी और ठंडी होगी तो बेहद ठंडी होगी, राइट. थ्री लाइफ फॉर्म्स आर यूजुअली फाउंड इन डेजर्ट्स. दीज आर एनुअल्स, सक्यूलेंट्स एंड डेजर्ट श्रब्स. ये तीन तरह के प्लांट्स डेजर्ट्स में होते हैं एंड दिस कवर्स अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ सर्फेस. सो बट कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मे बी एल्गी, मॉसेस, लाइकन्स प्रेजेंट होता है बेयर ग्राउंड पे, और कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गे सैंड में प्रेजेंट होता है. तो मेनली देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ डेजर्ट. दीज आर हॉट एंड ड्राई एरिड डेजर्ट, सेमी एरिड डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट, राइट. सो वट इज़ हॉट एंड ड्राई एरिड डेजर्ट? वेयर इट इज़ कम्प्लीटली वॉर्म एंड ड्राई ईयर राउंड. So this is Sahara Desert, maybe in Africa, Mojave Desert in US and Australia, right? So arid desert kya hai? Completely dry, no rainfall and very hot. Now what is semi-arid desert? Long dry summers, which is followed by winters, matlab thode time ke liye winter bhi aata hai, thoda sa rain bhi aata hai, but ye desert hai. ड्राई समर्स है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं हो सकता. सो दिस इज़ सीन इन नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप, एशिया. देन देर इज़ कोस्टल डेजर्ट. यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है बट ड्राई होता है, राइट. सो दिस इज़ अटाकामा काइल विच इज़ इन जॉर्जिया, राइट. सो दिस इज़ कोस्टल डेजर्ट. एंड कोस्टल डेजर्ट जो है मतलब कि कोस्ट के पास होता है, तो दैट इज़ कोस्टल डेजर्ट. एंड कोल्ड डेजर्ट इज़ हैविंग ड्राई एंड कोल्ड टेम्परेचर लाइक एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड. तो हमने पहले जो टुंड्रा बायोम देखा था दैट इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ डेजर्ट बायोम, पर वो कोल्ड डेजर्ट में आता है, राइट. जो हमने वहाँ पर देखा था इट वॉज़ अ टर्म सेड एज पोलर डेजर्ट. सो कोल्ड डेजर्ट टुंड्रा बायोम इज़ ऑल्सो अ कोल्ड डेजर्ट. तो अ डेजर्ट कैन बी कोल्ड, इट कुड बी सेमी एरिड, इट कुड बी एरिड, बट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट इज दैट इट वुड बी ड्राई एंड लाइफ कैन नॉट सस्टेन देयर. एंड स्पीशीज दैट वुड ग्रो वुड बी सच दैट कैन सस्टेन दैट हार्श एनवायरमेंट. लो प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेशन बहुत कम है, वेरिएबल टेम्परेचर, सॉइल मिनरल्स में तो रिच है पर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे कुछ लाइफ ही नहीं है. सो दीज आर द प्लेसेस, अफ्रीका, एशिया, मिडल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया एंड गोबी डेजर्ट. इफ़ यू नो गोबी डेजर्ट इज़ इन मंगोलिया. सो ऑर्गेनिजम्स हियर टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशंस. So cacti and other succulents, maybe creosote bush and other plants with short growth cycles are present here. So deserts like Atacama Desert, Kyle, then Sahara Desert,
then Greenland, which is a tundra biome, and the Europe. Now the species present here is grey fox, bighorn sheep, इसके horns बहुत बड़े होते हैं, kangaroo rat, क्योंकि it looks like a kangaroo, it has a style of kangaroo, but it is a rodent, and hawk, right, and creosote bush, this is a flowering plant actually, flowering shrub. Then cactus and succulents, जो भी cactus succulents हो वो सारे desert में होते हैं, right? So there are also birds such as owls, hawks, roadrunners. Owls, hawks are predators, and insects, ants, beetles and all, and there are tortoise, rattlesnakes वगैरह, right? So all of these are communities in desert biome. So where is our desert biome? It comes in North America. तो नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट बायोम को हमने ऑरेंज कलर दिया है, तो नॉर्थ अमेरिका का कुछ पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट है दैट इज़ मैक्सिको, मतलब इट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका ओनली बट इट इज़ मैक्सिको. दिस इज़ साउथ अमेरिका का सम पार्ट्स, राइट, देन अफ्रीका का साउथ अफ्रीका एंड नॉर्थ अफ्रीका, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका में भी है और साउथ अफ्रीका में भी है. अब यहाँ पे मिडल ईस्ट है, सो मिडल ईस्ट में भी है, राइट. Then we know that in Middle East there is what we call all your Abu Dhabi and all, जहाँ पे palms, date palms ज़्यादा होते हैं. So this is a desert. Then it is present here in Mongolia. Mongolia में Gobi desert है. Then this is Asia. Asia में present है. Australia के कुछ part में present है. राइट, सो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर विथ यू. इनफैक्ट इंडिया का कुछ पार्ट जो कच्छ वगैरह है, दिस इज़ ऑल डेजर्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बायोम, दैट इज़ ट्रॉपिकल सवाना बायोम. सो दिस बायोम, नाउ वी कैन सी दैट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ट्रॉपिकल रीजन. टेम्परेट से आकर ठंडे रीजन से धीरे धीरे सब ट्रॉपिकल से आते आते अब वी हैव रीच्ड द ट्रॉपिकल रीजन. सो दिस इज़ द ट्रॉपिकल सवाना बायोम. दीज आर ऑल्सो ग्रासलैंड्स, पर ये ट्रॉपिक्स के ग्रासलैंड है. पहले हमने जो देखा था वो टेम्परेट का ग्रासलैंड था. सो ग्रासलैंड्स विथ स्कैटर्ड ट्रीज और क्लम्प्स ऑफ ट्रीज. सो यहाँ पे ऐसे ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पे बीच बीच में कहीं कहीं पे एकाधिका ट्रीज प्रेजेंट होंगे. सो दीज आर सीन इन वार्म रीजन्स विथ 40 to 60 inch रेनफॉल. ऐसे रीजन्स में जहाँ पे रेनफॉल्स है 40 to 60 inch, पर ये वार्मर रीजन्स में देखा जाता है. देर इज़ डेंस कवर ऑफ ग्रासेस, देर इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड ड्राई सीजन एंड कॉमन फायर्स आर देर. दिस इज सैंडविच्ड बिटवीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट बायोम. तो डेजर्ट बायोम और इसके बाद हम जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखेंगे उसके बीच में ये बायोम आता है. इट्स वार्म ऑल द टाइम. तो ये जो बायोम है इट इज़ ऑलवेज वार्म, एंड दिस इज़ फाउंड एक्सटेंसिवली इन अफ्रीका, ऑल्सो फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. सो हियर देर आर मोर सीजनल रेन, यहाँ पे बहुत सीजनल रेन होता है, मतलब कभी कभी होता है, देन डेजर्ट्स, बट लेस देन ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, पर ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट से कम होता है. यानी कि डेजर्ट से तो ज़्यादा रेनफॉल है, राइट, पर इस ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट जो है उससे कम है. सो दिस इज़ अ सवाना जहाँ पे एज यू कैन सी देर आर ग्रासेस एंड बीच बीच में देर वुड बी ट्रीज लाइक दिस. सो दिस इज़ प्रेजेंट इन लार्ज पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, ब्राज़ील यानी कि साउथ अमेरिका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया. सो दिस इज़ सेम थिंग हियर, देर आर टॉल पेरिनियल ग्रासेस, sometimes drought tolerant and fire resistant tree or shrub might be present. There are compact soils, fairly frequent fires, fire jo hai wo frequent hota hai, action of large animals such as rhinoceros prevent some savanna areas from turning into dry forest. The same thing jo humne temperate grassland mein kaha tha,
फायर की वजह से राइनोसेरोस और जिराफ जैसे एनिमल्स के ग्रेजिंग की वजह से सवाना जो है वो ड्राई फॉरेस्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता. मतलब कि ड्राई फॉरेस्ट में क्या होता है, देर आर मोर ट्रीज, सो सवाना ग्रासलैंड जो है वो ग्रासलैंड रहता है बिकॉज ऑफ दीज एनिमल्स एंड फायर. दिस लाई इन वाइट बैंड ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, मतलब इक्वेटर की दोनों तरफ होता है, मतलब थोड़ा सा नॉर्थ पे भी होता है, थोड़ा सा साउथ में भी होता है, बट इक्वेटर के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है. सो हियर देर आर वार्म टेम्परेचर्स, सीजनल रेनफॉल, कॉम्पैक्ट सॉइल, फ्रिक्वेंट फायर्स सेट बाय लाइटनिंग. सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन क्लियर टू मेक वे फॉर डेवलपमेंट, बट द सैडेस्ट पार्ट इज के डेवलपमेंट करने के लिए ऑलमोस्ट सब जगह ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं ताकि वहाँ पे सेटलमेंट्स हो सके, राइट. तो ग्रासलैंड्स नहीं तो वहाँ के सारे बायोम्स भी नहीं, सारे एनिमल्स और प्लांट्स भी नहीं, राइट. सो एंड फार्मर्स ऑल्सो ब्रिंग लाइव कैटल, तो लाइव कैटल जो है वो एक्सेसिव ग्रेजिंग करते हैं जिससे ग्रासेस जो है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं. सो हियर देर आर थिंग्स लाइक एंड्रोपोगोन, एंड्रोपोगोन जैसी स्पीशीज़ होती है यहाँ पे, एंड पैनिकम. एंड्रोपोगोन इज़ अ वेल एडप्टेड ग्रास इन एनी टाइप ऑफ हार्श क्लाइमेट. पैनिकम प्रेजेंट होता है, इसको पैनिक ग्रास भी बोलते हैं. देन पैनिसेटम इज़ कॉल्ड फाउंटेन ग्रास एंड इम्पेराटा, राइट. सो ऑल ऑफ दीज आर द ग्रास स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट. दिस इज़ जैकल, जैकल इज़ अ प्रेडेटर, राइट. एंड लेपर्ड्स आर प्रेजेंट, हाइनाज आर प्रेजेंट. सो हाइनाज आर लाइक छोटे होते हैं देखने में, बट ये प्रेडेटर होते हैं, राइट. एंड आर्डवर्क इज प्रेजेंट, आर्डवर्क इज लाइक वॉट दे हैव स्पेशलाइज्ड डाइट. इनका ऐसा है कि ये फीड करते हैं खाने के लिए, सॉइल को खोदते हैं जहाँ से उनको एंट और टर्माइट्स मिलते हैं, राइट. हाइनास जो है वो ग्रुप में हंटिंग करते हैं, और कितनी बार एंड दे इवन हंट बिग एनिमल्स व्हेन दे आर टुगेदर. एंड स्मॉलेस्ट मैमल में आई थिंक ये काउंट होता है, स्मॉलेस्ट एनिमल में काउंट होता है. देन दिस इज़ चीता, चीता वी ऑल नो इज़ अ प्रेडेटर. इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रन कर सकता है. देन दिस इज बबून, बबून आर द लार्जेस्ट मंकीस इन द वर्ल्ड. देन वी नो अबाउट जिराफ, राइट, एंड ज़ेब्रा, एंटीलॉप्स, एलिफेंट. सो ऑल ऑफ दिस वाइल्ड एनिमल्स आर प्रेजेंट इन ग्रासलैंड्स, बिकॉज ग्रासलैंड ऐसी जगह है जहाँ पे ट्री नहीं है, और ग्रासेस की हाइट में इन सब की हाइट होती है, तो ये ग्रासेस में हाइड हो सकते हैं एक्सेप्ट फॉर जिराफ, राइट, और ज़ेब्रा जैसे जो एनिमल्स है ये ही अलग से दिखते हैं, बाकी ये सब तो ग्रासलैंड में हाइड हो जाते हैं. तो चीता एंड ऑल दे कैन वेरी क्विकली आइडेंटिफाई देयर प्रे एंड रन आफ्टर इट इन द ग्रासलैंड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट इन ग्रासलैंड्स देर आर लाइक मैनी स्पीशीज, लाइक बर्ड स्पीशीज लाइक ईगल एंड हॉक्स एंड ऑल, बिकॉज एक ट्री पे बैठ के पूरे ग्रासलैंड पे वो नज़र रख सकते हैं, राइट. एंड देर आर ऑल्सो टर्माइट्स. नाउ वी नो वॉट इज़ टर्माइट्स, जिसे हम उधी बोलते हैं. सो दे फॉर्म दिस लार्ज मूंस एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रासलैंड, क्योंकि ग्रासलैंड की सॉइल को ये डिकम्पोज करके और जो भी लीव्स लिटर्स है उसको डिकम्पोज करके, वुड को डिकम्पोज करके दे गिव इट बैक टू द नेचर. तो टर्माइट्स आर एक्चुअली गुड थिंग फॉर फॉरेस्ट. सो या सो बर्ड्स लाइक ईगल, ऑस्ट्रिचेस आर ऑल्सो प्रेजेंट. नाउ वेयर इज़ द ट्रॉपिकल सवाना प्रेजेंट, इट इज़ इन अफ्रीका एंड इट इज़ विद दिस पिंक कलर. आप ये जो बीच में लाइन देख रहे हैं दिस इज़ इन अफ्रीका, इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका का ये ब्राज़ील वाला पार्ट है, राइट.
देन दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ये बीच वाली लाइन, तो ये सब जो है दैट इज ट्रॉपिकल सवाना. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज पिनॉन जूनिपर बायोम्स. सो दीज आर मेनली वुडलैंड दैट ऑक्यूपाई लार्ज एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द ग्रेट बेसिन ऑफ कोलोराडो रीजन्स. So in Mexico, sometimes Nevada and California. So moisture is the critical factor. यहाँ पे moisture एक important factor है. Rainfall वैसे कम होता है 10 to 20, और क्योंकि rainfall कम होता है तो यहाँ पे जो pinyon juniper बहुत बड़े बड़े जो trees है उनकी growth stunted होती है. तो इसलिए pinyon juniper biomes है but इनकी growth stunted है. So several species of juniperus is there. Juniperus is juniper and pinyon is like pine forest, right? So this is a vegetation type of western United States higher elevation deserts. So western United States ki area mein ye present hai, right? So this is a pinyon juniper forest. As you can see, this is pinyon juniper trees. बट इनकी ग्रोथ बहुत स्टंटेड है क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होता है. अदरवाइज पिनियन जूनिपर बहुत बड़े ट्रीज होते हैं. ये भी आई एम नॉट शोइंग इन द मैप क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया है. मैप में मैं एक पैच नहीं बता सकती. सो वी आर नॉट शोइंग पिनियन जूनिपर इन द मैप. कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो दिस ऑक्यूपाई द लो एल्टीट्यूड जोन नियर द इक्वेटर. इक्वेटर के पास जो लो एल्टीट्यूड जोन है वहाँ पे होता है. मतलब इन शॉर्ट दिस इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट नियर और ऑन द इक्वेटर. दिस इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेयर एनुअल रेनफॉल एक्सीड्स 80 or 90. तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 80 or 90 ईच तक पहुँचता है एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ईयर विथ वन और मोर रिलेटिवली ड्राई सीजन. सो द ड्राई सीजन इज प्रेजेंट देयर बट rainfall is like consistent year round. Species composition may differ but so tropical rainforest alag alag part mein hai world ke, to species composition differ karta hai but general forest structure or ecology tropical rainforest chahe jahan bhi ho almost same hoti hai. Par ye highly stratified forest hai, matlab ki yahan pe layers present hai. The canopy layer, the middle layer that is understory and the bottom layer or floor. Canopy layer is made up of tall trees jinke leaves ke crown ki wajah se this extend up to 70 meters thick wood vines climb up. Ab canopy layer mein vines bhi upar climb karke tree ki height tak pahunch jate hain. Middle layer is present all the vines, smaller trees, chote trees, ferns, palms, ye sab middle layer mein hote hain. एंड बॉटम लेयर में होता है लीफ लिटर, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे बहुत फास्ट कंपोस्टिंग होता है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट होते हैं. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मिडल लेयर के जो प्लांट्स है वो यूजुअली हम हमारे इंडोर प्लांट्स की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स है जो कैनोपी के नीचे है तो इनको जो है सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. सो दे ग्रो विदाउट सनलाइट और यही प्लांट्स जो है हम इंडोर प्लांट्स की तरह यूज करते हैं. सो दीज हैव प्रोनाउंस्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी. एक्चुअली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर होम टू मोर स्पीशीज देन ऑल अदर लैंड बायोम्स कंबाइंड. मतलब अभी तक हमने जितने भी बायोम्स पढ़े वो सब की कंपेरिजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्स स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे जायंट ट्रीज़ है जैसे मैंने कहा कैनोपी लेयर के लिए हाइट ऑफ 75 मीटर. श्रब्स एंड हर्ब स्ट्रेटा भी है जिसमें फर्न्स है, पाम्स है एंड दे कैन ग्रो इन शेड. एंड क्लाइंबर्स भी प्रेजेंट हैं लाइक वुडी लायनास, एपीफाइट्स यानी कि ऑर्किड्स भी प्रेजेंट है, स्ट्रैंगलर फिक्स प्रेजेंट है और जितने भी आर्बोरेसेंट वाइन्स है ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो दीज आर parts of South and Central America, Southeastern Asia, parts of Africa, some part of Southern India and Northeastern Australia. So this is a tropical rainforest जहाँ पे n number of species diversity और stratified layer हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे जो communities है these are for example sloth. Sloth is a very slow moving
एनिमल, बहुत स्लो मूविंग एनिमल है एंड स्लोथ के बारे में ऐसा भी बोलते हैं कि ये इतने स्लो है कि लाइक पॉटी करने भी दे गो ओनली फॉर लाइक वीक में या फिर 10 डेज में एक बार ही करते हैं, और ये वही टाइम होता है जब प्रिडेटर्स इनको खा लेते हैं. मतलब कि दे गोइंग फॉर दिस बिकम्स देयर द रीज़न ऑफ डेथ, बिकॉज ये ट्रीज़ में रहते हैं, पर व्हेन दे हैव टू गो टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर दे गो डाउन, और इस दरमियान दे आर कैरिड अवे बाय द प्रिडेटर्स. देन तापिर, तापिर इज़ अ हर्बीवोर, एंट ईटर की तरह दिखता है ये. ये एक्चुअली बेबी है, बट जब ये बड़ा हो जाता है तो उसका फेस एंट ईटर जैसा होता है, राइट. देन कैपीबारा, कैपीबारा इज़ अ रोडेंट एंड इट कैन इवन स्लीप इन वाटर एंड इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग रोडेंट एक्चुअली. देन जैगुआर इज़ अ प्रिडेटर. जैगुआर की स्पीड होती है लाइक 80 to 70 किलोमीटर पर आवर. एंड एंट ईटर, सो एज आई टोल्ड दिस इज़ एंट ईटर. तो एंट ईटर का जैसा नोज़ होता है, स्नाउट, वैसा ही तापिर का हो जाता है जब वो बड़ा होता है, राइट. देन एंट ईटर्स दे डू नॉट हैव टीथ, पर उनका टंग और स्नाउट उनको एंट और इंसेक्ट्स खाने में मदद करता है. देन टॉकन, टॉकन इज़ अ वेरी कलरफुल बर्ड. मतलब उसका बीक जो है बहुत कलरफुल होता है एंड बीक उसका भले ही उसके साइज से बड़ा लगता है, बट उसका जो बीक है वो इतना भारी नहीं होता. ये एक कैराटिन मटेरियल से बना हुआ होता है. देन केमैन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स. बोआ कंस्ट्रिक्टर इज़ प्रेजेंट, विच इज़ अ डेडली स्नेक एक्चुअली, एंड इट कैन, जब तक ये जीता है तब तक ये बड़ा होता रहता है. उसके अलावा ये सारे एनिमल्स भी प्रेजेंट हैं, मंकीज, देन पैरट्स, पैराकीट्स, बटरफ्लाइज, एंट्स, पिरानास एंड ऑल, एनाकोंडास. अब ट्रीज जो है दीज आर स्ट्रैंगलर फिग्स प्रेजेंट. नाउ द स्ट्रैंगलर फिग्स आर फिग्स दैट बाइंड टू अ होस्ट एंड उस होस्ट को पूरी तरह कंप्लीट कर देते हैं. स्ट्रैंगलर फिग्स जो है वो ऊपर से ग्रो होना स्टार्ट करते हैं कोई भी ट्री के, जहाँ पे उनके सीड्स पड़े होते हैं वहाँ पे ऊपर कैनोपी में सिडलिंग्स बन जाते हैं. एंड देन दीज सिडलिंग्स दे स्टार्ट मूविंग, सिडलिंग्स जो है वो धीरे धीरे बड़ा बन जाता है. रूट्स वो सब स्टेम जो है उसको स्ट्रैंगल कर देता है होस्ट को, और फाइनली नीचे जाके होस्ट के रूट को भी बांध देता है और होस्ट को पूरी तरह कंप्लीट कर देता है. दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रैंगलर फिग्स. फाइकस फैमिली का है. देन सेक्रोपिया ट्री, सेक्रोपिया ट्री इज़ डॉर्मेंट इन दिस काइंड ऑफ सॉइल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रम्पेट ट्री, राइट. देन कौरी ट्री इज़ प्रेजेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर फर्न्स, काफ़ी फर्न्स भी प्रेजेंट है, यानी कि टेरिडोफाइट्स. कौरी ट्री का ऐसा है कि इट गिव्स आउट सम वेरी अनप्लेजेंट स्मेल, जिसकी वजह से इंसेक्ट सब जो है वो मर जाते हैं, और वो इंसेक्ट्स का बायोमास कौरी ट्री जो है वो यूज़ करता है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए. एंड पाम ट्रीज, ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ऑर्किड्स ऑफकोर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट द एपीफाइट्स. ऑर्किड्स जो है वो ट्री का कुछ भी यूज़ नहीं करते, ट्री पे ग्रो होते हैं, पर ट्री का जो, ट्री पे जो लिटर होता है या फिर जो वाटर कंटेंट होता है वो ही यूज़ करते हैं, बाकी दे आर नॉट अ पैरासाइट. सो वेयर डू वी सी द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द डार्क ग्रीन कलर दैट वी सी, इट इज़ मेनली इन सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी कि ब्राज़ील का कुछ पार्ट है, अफ्रीका में है, एंड दिस लाइन यू सी सम पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया. ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है दैट इज़ श्रीलंका, श्रीलंका में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. एंड दीज आर स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स विच आर मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट. सो दीज आर द रीजन्स वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ प्रेजेंट.
नाउ ये फॉरेस्ट मेनली तीन रीजन्स में डिवाइड किए जाते हैं, द अमेजोन एंड एरेनिको बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिकन इस्थमस, जो हमने देखा था राइट, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में है. सो दिस इज देन अफ्रीका में है मेडागास्कर वाला रीजन राइट. सो एंड द इंडो मलाया बोर्नियो न्यू गुनिया रीजन, सो दिस इज नियर द लाइक फिलीपाइंस एंड ऑल राइट. सो दीज आर द थ्री मेन रीजन्स वेर मेनली दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर प्रेजेंट. नाउ द लास्ट इज द ट्रॉपिकल स्क्रब एंड डेसीड्यूस फॉरेस्ट. जैसे हमने टेम्परेट में देखा था टेम्परेट रेन फॉरेस्ट होता है, टेम्परेट डेसीड्यूस फॉरेस्ट होता है, वैसे ही ट्रॉपिक्स में भी हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखा. नाउ दिस इज ट्रॉपिकल स्क्रब एंड डेसीड्यूस फॉरेस्ट बायोम्स राइट. सो यहाँ पे जो ट्रीज है वो डेसीड्यूस है, अपने लीव्स छोड़ देते हैं हार्श कंडीशन को कर्ब करने के लिए, तो इसलिए इनको ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट भी बोलते हैं. तो जब आप एक डेसीड्यूस फॉरेस्ट को ड्राई सीजन में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और वहीं आप उसको रेनी सीजन में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स डेसीड्यूस कैरेक्टरिस्टिक. सो दिस डेवलप इन एरियाज वेयर मॉइस्चर रिलेशन आर इंटरमीडिएट, मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा भी नहीं है एंड कम भी नहीं है. सो दिस फॉल्स बिटवीन डेजर्ट एंड सवाना ऑन वन हैंड एंड रेन फॉरेस्ट ऑन दी अदर. तो ये रेन फॉरेस्ट डेजर्ट और सवाना के बीच में आता है. दिस कवर लार्ज एरियाज, सो दैट इज इम्परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फेयरली गुड टोटल रेनफॉल, मतलब रेनफॉल इतना नहीं है, इम्परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है. एंड ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ग्रो इन प्लेसेस वेयर रेनफॉल इज हाईली सीजनल रेदर देन ईयर राउंड. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ईयर राउंड होता था, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में इट इज़ नॉट ईयर राउंड. सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन नियरली ऑल द ट्रीज दे ड्रॉप देयर लीव्स टू कंजर्व वाटर, और इसलिए वो ड्राई दिखते हैं. एंड देयरफॉर अ ट्री दैट शेड्स इट्स लीव्स ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड अ डेसीड्यूस ट्री. सो हियर थॉर्न फॉरेस्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज सीन. नाउ जनरली इट इज़ वॉर्म ईयर राउंड, ऑल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई सीजन्स होते हैं, रिच सॉइल होता है जो इरोजन, जिसमें इरोजन भी हो सकता है. दिस इज टॉल डेसीड्यूस ट्रीज दैट फॉर्म डेंस कैनोपी ड्यूरिंग द वेट सीजन. वेट सीजन में डेंस कैनोपी बनाता है एंड ड्रॉट टॉलरेंट ऑर्किड्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रोमेलियार्ड्स, एलॉयज और सक्यूलेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट कॉमन इन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, इंडिया एंड ट्रॉपिकल आइलैंड्स. So the communities there are the teak tree, right? जिसको Tectona grandis बोलते हैं, बहुत अच्छा wood होता है इसका. Peepal tree which is religiously known, right? Ficus religiosa. Shorya is a good medicinal plant and a wood species also. And neem tree is also, all of these are deciduous. Now this is rhinoceros. द एनिमल्स लाइक राइनोसेरोस आर सीन. राइनोसेरोस जो होते हैं वो सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं एंड ये लाइक 3 to 4 years में एक बार ही ब्रीड करते हैं, तो इनका पॉपुलेशन कम होता जाता है. एंड क्योंकि फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है तो इनका पॉपुलेशन भी इसलिए घटता जा रहा है. देन दिस इज इंडियन हॉग डियर एंड यस राइनोसेरोस इज हर्बीवोर. ये कितना भी खतरनाक लगता हो बट दिस इज अ हर्बीवोर. देन दिस इज इंडियन हॉग डियर. Harrier is a kind of hawk, right? So it is, it preys on the predator. This is pelican, जिसका bill जो है वो काफ़ी long होता है. And this is monitor lizard. Monitor lizard को monitor lizard इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने दो पैर में खड़े रह के ऐसे देखते हैं जैसे ऐसे लगता है कि किसी को monitor कर रहे हो. तो it's like या तो किसी को warn कर रहे हो कि मैं देख रहा हूँ, right? So this is like हमारे क्लास में जो मॉनिटर्स होते हैं वो कैसा करते हैं, द सेम वे. सो दीज आर कॉल्ड मॉनिटर लिजर्ड्स, राइट. सो सम ऑफ द अदर एनिमल्स आर टाइगर्स, मंकीज, हर्बीवोर्स जैसे एलिफेंट्स, रिनोसर, राइनोसेरोस, हॉक डियर. बर्ड्स भी है, हॉर्नबिल्ड, पाइड हारियर, पेलिकन, राइट. टर्माइट्स है, रेप्टाइल्स है, स्नेक एंड मॉनिटर लिजर्ड्स, राइट.
So these are the communities. And where do we find tropical deciduous forest is the dark pink color. So you can see it in some parts of South America, some parts of Africa, some most of the India. See the important thing, India mein hame teen type of biome dikhe. Ek to ye desert biome, ye tropical dry forest aur ye tropical rain forest, right? So mainly teen world ke biomes India mein bhi aate hain. And here there is Thailand, to Thailand ka kuch part jo hai wo dry forest hai, and Australia ka bhi. So these are the regions where you can see tropical deciduous forest. Now another thing is mountain and ice caves. These are not biomes actually. ये जो आप grey structure देख रहे हैं, this is mountain and ice caves. यानी कि यहाँ पर तो कोई biological community है ही नहीं. So this has been given grey color. So in even in the Antarctica, यहाँ पर नीचे Antarctica आता है जहाँ पर grey color है, क्योंकि mostly biological communities नहीं होती यहाँ पर, ठीक है. So mainly these are the biomes, the tundra, the taiga, the temperate rainforest, temperate deciduous, grassland, chaparral, desert, tropical, savanna, rainforest and deciduous forest along with the broadleaf evergreen and the pinyon juniper, right? So वो दो map में नहीं पता है क्योंकि बहुत small patches है. Rest has been shown here and I hope that this has been helpful to you. पर फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क, आई विल श्योरली क्लियर इट फॉर यू, राइट. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वेरी वेरी लॉन्ग लेक्चर. थैंक यू.